Good morning, friends. Good morning, sir. Okay. Today, we will do a different thing. We will start with economics for finance and then we will go to financial management. Everybody, I hope yesterday jo humne padha hai wo aapko yaad hai. Chalo, jaldi jaldi bolo, GDP ka long form, aapka favorite question. Gross domestic product. Okay. Ye pehle dekha tha humne kal. Meaning kya hai? Gross domestic product ka meaning pooch raha main aapko. It is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of our country. Acha, foreigners produce kiya to chalega kya? Yes, GDP hai ye, national income nahi count kar rahe, apan kya kar rahe, GDP bol rahe. Aur GDP mein fir foreigners agar country mein aake production karte hai, to GDP mein aata hai wo. Aapko pata hai na? And दोस्तों अगर मान लेते हैं दो मिनट के लिए ये हमारा एक फ्लो ड्रॉ कर लेते पहले क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीडीपी इट इज डैश ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एवरीबॉडी क्या बोल रहे हैं हम लोग इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और इसमें से अगर हम लोगों ने स्पेसिफिकली सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस किया तो आंसर दो एनडीपी मिलता है क्या मिलता है एनडीपी व्हाट इज एनडीपी का लॉन्ग फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवरीबॉडी ओके नाउ ध्यान से सुनो इसमें इज इट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली नॉट अभी तो एक्सक्लूड किया उसको हाँ तो इट इज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन NDP is excluding depreciation. फिर उसके बाद अगर मुझे second letter D वाला domestic वाला letter है उसको क्या बनाना है National बनाना है Okay? तो मुझे एक बात बताओ domestic बड़ा होता है या national? National बड़ा होता है क्योंकि domestic मतलब हम क्या देख रहे हैं हमारे domestic territory में क्या हुआ बट हम ये नहीं देख रहे कि हमारे Indians जो बाहर कमा रहे हैं वो क्या है हम ये नहीं देख रहे कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेनर्स भी कमा रहे हैं समझे क्या जीडीपी इज इंक्लूडिंग व्हाट जीडीपी इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा मैं फॉरेनर का इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी बट डू यू थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम फॉरेनर का इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑब्वियसली दैट शुड बी एक्सक्लूडेड एंड जो इंडियंस बाहर कमा रहे दैट शुड बी इंक्लूडेड तो ये सब का इफेक्ट देने के लिए एक वर्ड यूज किया था हमने क्या बोला था हमने वो वर्ड एन एफ आई ए व्हाट इज दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या दोस्तों हमने बाहर से नेट कितनी कमाई की ओके हो सकता है वो नेट कमाई हमारी निगेटिव हो सकता है वो नेट कमाई हमारी पॉजिटिव हो डिपेंड्स हमने कितना कमाया और फॉरिनर्स से हमने कितना कमाया इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉरेनर्स ने हमसे कितना कमाया इनकम टू अब्रॉड ओके तो आपको ये डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा एड एन एफ आई ए करना पड़ेगा तो आपको एन एन पी मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा एवरीबॉडी नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा सेकेंड लेटर जो था डी उसको हमने चेंज करके एन किया पहला लेटर था इधर जी जिसको हमने चेंज करके एन किया पहला लेटर जी को अगर एन करना है ग्रॉस को अगर नेट पर लाना है क्या करोगे आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे बराबर है एवरीबॉडी एंड अगर सेकेंड लेटर है डोमेस्टिक जिसको आपको पहुंचाना है नेशनल पर तो क्या करोगे आप एड एनएफआई करोगे कैन यूर एनएफआई बी निगेटिव यस ऑब्वियसली इट कैन बी निगेटिव अगर हमने कम कमाई की और उन्होंने ज्यादा की तो निगेटिव आएगा बट वो पॉजिटिव भी बन सकता है अगर हमने ज्यादा कमाया इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर एंड इनकम टू अब्रॉड इज लेस सिंपल समझ गए तो दिस इज द फ्लो ऑफ अवर कंसेप्ट अब इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आगे एक चीज लिखी थी मार्केट प्राइस तो इट इज द मार्केट वैल्यू बोला था अपन ने मनी वैल्यू की जगह वर्ड क्या यूज किया था मार्केट वैल्यू क्योंकि अपन ने कल समझते हो क्या देखा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस
सो ऑब्वियसली जीडीपी एट अगर मार्केट प्राइस रहेगा तो एनडीपी जो मिला वो भी मार्केट प्राइस पर है, और जो नीचे एनएनपी मिला वो भी मार्केट प्राइस पे है. दोस्तों, कैन आई कॉल दिस एनएनपी एट मार्केट प्राइस एज माय नेशनल इनकम? नो. अरे एनएनपी इज नेशनल इनकम ना, बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम. क्या बोला? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम. ये क्या लिखा है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा सकते क्या आप? अच्छा, ध्यान से सुनो अभी. मार्केट प्राइस जो होता है, ओके, सबका ध्यान है? मार्केट प्राइस जो होता है उसके आगे हर बार कुछ लिखा रहता है ब्रैकेट में. क्या लिखा रहता है ब्रैकेट में? जहां पर भी आप एमआरपी पढ़ते हो ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. डू दे मीन टू से डायरेक्ट टैक्स? नहीं. गुड्स एंड सर्विसेज पे कभी डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है. सो कैन आई से मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस? मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस. एवरीबॉडी, अब ध्यान से सुनो. सपोज, दो मिनट के लिए समझने के लिए फ्लो चेंज कर रहा हूं मैं. आपके पास निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस और दिया है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. मैं सिर्फ नीचे लिखने के लिए और समझने के लिए अलग बोल रहा हूं, बाद में ऊपर का फ्लो कंप्लीट करेंगे अपन. ध्यान है ना? मेरे पास क्या दिया है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. पहली बात, फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग किसको पता नहीं है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबको पता है, उनका कॉस्ट है ये. इज इट इंक्लूडिंग प्रॉफिट? यस और नो? यस, ऑब्वियसली, बिकॉज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर. एवरीबॉडी, सो ऑब्वियसली दिस फैक्टर कॉस्ट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट. तो अगर वो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है उसमें, तो लॉजिकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, फैक्टर कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्केट प्राइस. ध्यान से सुनो मेरी बात अभी. अगर उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब दैट फैक्टर कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्केट प्राइस. बट दोस्तों, गवर्नमेंट प्लेज अ रोल इन मार्केट. गवर्नमेंट क्या करता है? कुछ आइटम्स पर टैक्स लगाता है, जहां से ऑब्वियसली उनको रेवेन्यू चाहिए. शायद कुछ आइटम्स पे टैक्स इसलिए भी लगाया जाता है कभी कभी, बिकॉज वो आइटम्स हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है. आर यू वेडिंग? बट कुछ आइटम्स हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे भी होते हैं, जिसपे गवर्नमेंट देता है सब्सिडी. कुछ आइटम्स हमारी सोसाइटी के लिए जरूरत भी होती है, जिसपे गवर्नमेंट देता है सब्सिडी. जैसे आपके घर में पहुंचने वाला एलपीजी गैस, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है. आपको पता है, सबको पता होगा ये बात. तो सब्सिडी इज देयर ऑन एलपीजी. तो दोस्तों, अगर एलपीजी पे सब्सिडी है, तो डू आई मीन टू से हम लोग सब्सिडी गवर्नमेंट को दे रहे हैं? नहीं. क्या हो रहा है? गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रहा है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अपन गवर्नमेंट को देते. अब देखो, ध्यान से सुनो. फैक्टर कॉस्ट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट. क्या बोला? समझा? फैक्टर कॉस्ट इज इंक्लूडिंग माई एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट. एंड नाउ इफ आई एड टू दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईडीटी बोलूंगा मैं उसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मुझे मिल जाना चाहिए मार्केट प्राइस. बराबर है? बट कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसपे गवर्नमेंट देता है सब्सिडी, जिसकी वजह से उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है. जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, सब्सिडी की वजह से मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा. सो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, तो दोस्तों सब्सिडीज लेस हो जाएगी. तो हम क्या बोलेंगे? लेस सब्सिडीज. एंड इसके अंदर अगर मैं इन दोनों को साथ में रख के एक वर्ड यूज करना चाहता हूं, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये है कि मैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रहा हूं और गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी कितना दे रहा है. कैन आई नेट ऑफ? क्योंकि ये वैसे भी लेन देन जो है वो गवर्नमेंट का और मेरा है. तो इसको अगर नेट बुलाना है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? नेट सब्सिडी बुलाएंगे या नेट टैक्सेस बुलाएंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे दोस्तों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर द सिंपल रीजन दैट टैक्सेस कभी ज्यादा होते हैं और सब्सिडी नॉर्मली कम होती है. तो इसको बुलाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अंडरस्टूड? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका सिर्फ रिविजन किया हमने. ऊपर का फ्लो तो पूरा ऑलरेडी पढ़ा था हमने. ओके, अब ध्यान से सुनो.
इफ, ये तो मैंने आपको क्या किया, मार्केट प्राइस निकालना सिखाया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मार्केट प्राइस निकालते हैं मार्केट में, कितना देना है भाई, तो वो बोलता है 20 रुपए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। आजकल तो जीएसटी आ गया, सब लोग जीएसटी जीएसटी बोलते हैं, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, जीएसटी, राइट। अब दोस्तों ये केस में अगर मेरे पास ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पर चीजें अवेलेबल है, सपोज हमको इंडिया का नेशनल इनकम निकालना था, ऑब्वियसली सबसे इजी तरीका फैक्टर कॉस्ट से जाने से अच्छा मार्केट वैल्यू है, क्योंकि नॉर्मली रियल टर्म्स में मार्केट वैल्यू इजीली अवेलेबल होता है। तो ये सब ऊपर का फ्लो जो है वो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस पर है। मुझे मार्केट प्राइस से अल्टीमेटली कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सर फैक्टर कॉस्ट पे क्यों जा रहे हो आप, क्योंकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज माय नेशनल इनकम। एवरीबॉडी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज माय नेशनल इनकम। हमारे पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, हमको पहुंचना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो कैसे, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे क्या, ऑलरेडी उसमें एडेड है उसको निकाल देंगे, तो क्या करेंगे बोलो, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर ध्यान से सुनो, जो चीज आप इनडायरेक्ट टैक्स के साथ करते हो अपोजिट चीज सब्सिडी के साथ कर दो। कोई मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देता है, तो जो चीज मैंने इनडायरेक्ट टैक्स के साथ किया अपोजिट चीज मुझे सब्सिडी के साथ करनी चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने क्या किया ऊपर, लेस, तो सब्सिडी क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। सो एड सब्सिडीज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अंडरस्टूड क्या, एनी डाउट यहां तक, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा उसका रिविजन किया हमने। मेन कंटेंट शुरू करते, 7 बज गए, ओके ध्यान से सुनो भी थोड़ा सा फ्लो और बेटर समझने के लिए हम लोग ना इसी कंसेप्ट को 4 फेजेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ समझाइए क्या लिखा है, क्या लिखा सर आपने, लाइन तो ड्रॉ की है बस। 3 चीजें ऊपर लिखी जाती है, 1 चीज नीचे लिखी जाती है, बराबर है। यहां पर जी रहेगा या फिर यहां पर एन रहेगा। व्हाट इज जी, ग्रॉस, व्हाट इज एन, नेट। सेकंड इसमें या तो डी रहेगा, डी इज डोमेस्टिक, या तो फिर वहां पर नेशनल रहेगा, नेट मत बोलो, वहां पर जो एन आता है वो नेशनल है। एंड थर्ड इसमें हर बार पी रहेगा, हर बार पी रहेगा, बराबर है। एंड दोस्तों नीचे या तो एफ सी रहेगा या तो एम पी रहेगा। व्हाट इज एफ सी, फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज एम पी, मार्केट प्राइस, सिंपल। अब मुझे बताओ, पहला जी आपको एन बनाना है, क्या करोगे, पहला एन आपको जी बनाना है, सिंपल लॉजिक। ग्रॉस से नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए एड डेप्रिसिएशन करेंगे, ये क्या सबको समझ रहा है। एंड सेकेंड लेटर डोमेस्टिक एंड नेशनल, कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक और नेशनल कुछ भी हो सकता है। मुझे बताओ, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल जाना है, एड एनएफआई, नेशनल से डोमेस्टिक आना है, लेस एनएफआई करेंगे। अगर डोमेस्टिक में एड करके नेशनल मिलता है तो नेशनल से लेस करके डोमेस्टिक मिलेगा। डोमेस्टिक इज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, बाहर के इनकम का इफेक्ट देना है, बट सिर्फ हम नहीं कमाते वो भी कमाते हैं, इसलिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलने की जगह हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने नेट कितना कमाया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, नाउ लुक एट दिस फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जो शायद हमने पहली बार कवर किया, पहले कवर किया था क्या ये फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, कल परसों में, ओके सीपीटी में क्या किया वो भूल जाओ, फाउंडेशन वगैरह में, जब इधर अभी कवर किया क्या, ओके देखिए फैक्टर कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
When I say all the cost of factor of production, इसका मतलब it is including entrepreneur's profit. क्योंकि entrepreneur is also one of the fourth factor of production, ना? One of the factor that is fourth factor of production, उसका भी cost उसमें included है. Literally speaking, अगर government has nothing to do with the economy, तो फिर factor cost should be equal to market price. क्या बोला मेरे सेंटेंस? ध्यान से सुनो, ये आगे के चैप्टर्स में भी काम में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, ये आगे के चैप्टर्स में आपको समझेगा. तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि अगर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्केट प्राइस बिकॉज फैक्टर कॉस्ट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट. बट गवर्नमेंट हैज अ रोल बिकॉज गवर्नमेंट को पूरी इकोनॉमी को चलाना है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत होती है और गवर्नमेंट कभी कभी सपोर्ट के लिए सब्सिडी देता है. जब गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू लेता है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम टैक्सेस, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम टैक्सेस. एंड सीपीटी में फाउंडेशन में आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम शेयर ऑफ टैक्स इज फ्रॉम विच टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स. एवरीबॉडी, मेजर पोर्शन जो गवर्नमेंट को मिलता है टैक्सेस में वो ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स पे मिलता है एंड डायरेक्ट टैक्स पे कम मिलता है. अगर 100 रुपया गवर्नमेंट को मिलता होगा उसमें से ज्यादातर पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है और बचा हुआ पैसा डायरेक्ट टैक्स से मिलता है. ऑल ऑफ अस वी नो दैट लेस देन 3% ऑफ पॉपुलेशन इज पेइंग इनकम टैक्स. लेस देन 3% ऑफ पॉपुलेशन इज पेइंग इनकम टैक्स. तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स रेवेन्यू इज लेस कंपेयर्ड टू इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू. जो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं भर रहे, डू यू थिंक वो लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं भर रहे? नहीं. भरना पड़ेगा ना. गुड्स खरीदना है, सर्विसेस अवेल करनी है, तो वहां पर ही पे हो जाता है. अगर उनको पता चलता कि वो अलग से टैक्स भर रहे हैं और वो उनके हाथ में रहता तो वो भी नहीं भरते, वो बराबर है. बट उनको अगर वो चीजें खरीदना है तो उनको भरना पड़ेगा टैक्स, इसलिए भरते हैं. और इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादातर रेवेन्यू कहां से मिलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है. नाउ फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस जाना है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो मुझे एड कर लेने चाहिए. क्या बोला हमने? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस पे करना है वो ऐड करेंगे एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है वो लेस करेंगे. जो ट्रीटमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ होगा उसका अपोजिट ट्रीटमेंट सब्सिडी के साथ होगा. आर यू देयर विथ मी? सब लोग है क्या मेरे साथ एग्जाम्पल्स में? चलो, तो ऐसे केस में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, बोलो क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, एड इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेस सब्सिडीज, है ना. और अगर उल्टा सोचते, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एड सब्सिडी. देखो, ज्यादा दिमाग उल्टे में लगाने का नहीं, पूरा उल्टा करने का. सीधा समझ सकते आप, उल्टा नहीं समझ सकते. मैथमेटिकली उसका उल्टा करने का सिंपल. अगर आपको ऊपर का फ्लो समझाने के लिए नंबर वन ये आसान है या नंबर टू ये आसान है? नंबर टू आसान है. क्यों नंबर टू आसान है? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकलता है वो आसानी से समझ जाता है आपको, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को पता है हम अलग से टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, बराबर है. तो दोस्तों ऐसे केस में नंबर टू फ्लो समझने का बहुत आसान है, उसको मैथमेटिकली उल्टा कर दो, ऊपर का नंबर वन बन जाएगा फ्लो, है ना. जो ट्रीटमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ होगा, क्या बोला? उसका अपोजिट ट्रीटमेंट सब्सिडीज के साथ होगा. और रीजन क्या है उसका? व्हाट इज द रीजन? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम पे करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट हमको सब्सिडी पे करता है, तो ऑब्वियसली जो चीज इनडायरेक्ट टैक्स के साथ हो रही है उसकी अपोजिट चीज सब्सिडी के साथ होगी. याद रहेगा ना? नाउ एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका. जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कल क्या बोला था हमने? जीडीपी, सब लोग साथ में पढ़ेंगे मेरे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मेजर ऑफ मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली वन फाइनेंशियल ईयर. बराबर है क्या? कुछ वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किए मैंने.
मार्केट वैल्यू, क्योंकि ऊपर लिखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बाद में सेकेंड लेटर है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कल हमने इसके बारे में भी बात की आपको पता होगा। तो हमने प्रोडक्शन बाउंड्री की बात की कल, ध्यान था क्या, सब लोग जागे थे क्या? ओके, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर गुड्स जाएंगे तो बन जाएंगे फाइनल, जब तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तब तक वो रहेंगे इन बिटवीन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के लॉजिक से मत सोचो, कंज्यूमर के पहुंचने के लॉजिक से सोचो। फैक्ट्री के लॉजिक से सोचोगे तो फैक्ट्री के बाहर गिरने वाला गुड्स बन जाएगा फाइनल गुड्स, बट डू यू थिंक फैक्ट्री के बाहर गिरने वाला हर गुड्स फाइनल है इकोनॉमिक्स में? क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर। प्रोडक्शन बाउंड्री कहां तक है? रिटेलर तक है, लास्ट कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने तक वो रहेगा प्रोडक्शन बाउंड्री, और तब तक वो बनेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और बाद में बनेंगे वो फाइनल गुड्स। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या लिखा है? ग्रॉस। इसको अगर नेट बनाना है तो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट प्रोडक्शन करने के वक्त आप लेबर पे खर्च करते हो, आप मटेरियल पे खर्च करते हो, ये सब आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, आपको पता है कि ये कॉस्ट है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, आपने 2 करोड़ 20 लाख वॉट एवर एक मशीन खरीदा है बड़ा, जिसके लिए आप वन टाइम कॉस्ट पे कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो 5 साल 10 साल। अब इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, वो मशीन का कॉस्ट भी तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आना चाहिए। बट एक ही साल में पूरा कॉस्ट नहीं ले सकते हम लोग, उसका जितना यूजफुल लाइफ रहेगा उसके हिसाब से उसका कॉस्ट लिया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। अंडरस्टूड क्या? कॉस्टिंग का वर्ड यूज किया मैंने, अपोर्शनमेंट। समझा क्या कुछ? तो दोस्तों ये है डेप्रिसिएशन, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद लिखा है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसके बारे में हमने कल बात किया था। डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट ओनली भारत का नक्शा, इट इज समथिंग कि हमारे टेरिटरी में, पॉलिटिकल टेरिटरी में कुछ चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। कोई फॉरेन एम्बेसी हमारे देश में है, वो हमारे देश में है बट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। कोई इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, हाँ, कहीं और कोई और देश में है, और ऑब्वियसली वो इंडिया के नक्शे में नहीं है बट वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। समझा ना कल क्या बात किया था अपने? एयरक्राफ्ट्स, वेसल्स जो बिजनेस कर रहे इंडिया के बाहर, अगर वो रेसिडेंट्स वहां पर बिजनेस कर रहे, इंडियन सिटीजन्स नहीं बोल रहा हूं मैं, रेसिडेंट्स बोल रहा हूं, और रेसिडेंट्स का डेफिनेशन आपके इनकम टैक्स वाला डेफिनेशन नहीं है ये। आप रेसिडेंट्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर कोई इंसान 1 साल यहां पर रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। क्या बोला, समझा क्या? फिर वो सेक्शन 6 वगैरह ये एप्लीकेबल नहीं होता अपने लिए। समझे क्या? अपना इनकम टैक्स एक्ट का यहां पर एटलीस्ट रेसिडेंट की हद तक तो कोई वास्ता नहीं है। रेसिडेंट के लिए मैंने 2 कंडीशन बोली आपको लास्ट बेंच, ध्यान दो। रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन क्या बोली है? 1 साल से यहां पर रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर है, बस वो बन गया रेसिडेंट। अंडरस्टूड? इट इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग द वैल्यू एडेड बाय करंट प्रोडक्शन बाय फॉरेन रेसिडेंट्स और फॉरेन ओन्ड फंड्स। हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर फॉरेन ओन्ड फंड्स भी है या फॉरेन रेसिडेंट्स भी है और वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो दोस्तों ऐसे केस में वो वैल्यू एडिशन भी GDP में आएगा। डोंट बी कंफ्यूज, मैंने नेशनल इनकम नहीं बोला है, GDP में आएगा वो, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा वो। जब आप नेशनल NFI का इफेक्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। समझे क्या? जब वो NFI का इफेक्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। बोलो, डाउट है? इंडियन कंपनी का फ्रेंचाइजी फॉरेन में, वो फॉरेन कंपनीज फॉरेनर्स से रन होती है क्या? क्या इंडियन कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है फॉरेन कंपनी ने? वो फॉरेनर्स वो कंपनी रन करे। क्वेश्चन समझो अच्छे से उसका।
इंडियन कंपनी है, लेट से टाटा है, टाटा के कार्स का डीलरशिप फ्रेंचाइजी किसी फॉरेनर ने लिया है और वो यूएस वगैरह में टाटा के कार्स बेच रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा क्या? डोमेस्टिक इनकम में आएगा क्या? यस और नो? यस और नो? कितने लोग बोलते आएगा? डोमेस्टिक जीडीपी में वो आएगा, ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर करो। फॉरेनर वहां पर इंडियन कंपनी का फ्रेंचाइजी रन कर रहा है और वो यूएस के टेरिटरी में बिजनेस कर रहा है और आप बोल रहे हो कि वो जीडीपी ऑफ इंडिया में आएगा। चलो उल्टा सोचते, उल्टा सोचते, हमने इंडिया में बिजनेस किया है, फॉरेन कंपनी का बिजनेस हमने इंडिया में किया है, हाँ, हमारे जीडीपी में आएगा क्या? उनके आएगा क्या? तो उल्टा हो गया ना इधर, ये इनकम उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है तो वो इनकम उनके जीडीपी में जाएगा तो अपने जीडीपी में नहीं आएगा। एवरीबॉडी समझा क्या? जीडीपी डिस्कस कर रहे अपन लोग, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे और उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में उन्होंने बिजनेस किया है। मुझे बोलो वो बिजनेस अपने इंडियन एम्बेसी में हुआ क्या? नहीं हुआ। उनके लीगल डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ तो ये क्या हो गया? अपन उनके लिए फॉरेनर्स है, कहना है से अपन इंडियंस उनके लिए फॉरेनर्स है। एंड ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपन फॉरेनर्स उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा रहे, बराबर है क्या? तो वो उनके जीडीपी में जाएगा ना, उनके डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया। देखो अगर मैं इंडिया हूं, मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में ये फॉरेनर आता है और कमा के जाता है, बोलो जीडीपी ऑफ इंडिया में आएगा क्या? यस, लिखा है ना इधर क्लियरली, इट इज इंक्लूडिंग, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड बाय करंट प्रोडक्शन बाय फॉरेन रेसिडेंट्स, लिखा है ना। अब बोलो मेरे जीडीपी में इसका इनकम आएगा क्या? यस। अब मैं कौन हूं? इंडिया। ये कौन है? फॉरेनर। ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा के जा रहा है, ये इंडिया में जीडीपी में आ रहा है तो वो यूएस के जीडीपी में आएगा। बट जब एनएफआई का इफेक्ट देंगे तो ये सब नेट ऑफ हो जाता है। अंडरस्टूड? इसके अंदर बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, डोंट वरी, हम लोग कम से कम इस पे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें से 5-7 मैं सॉल्व करूंगा, 10-1 तुम सॉल्व करोगे और 10-1 इंटरवल के बाद वापस सॉल्व करेंगे रिविजन के लिए। ओके, डोंट वरी, बहुत से क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ केस स्टडीज मैंने बनाई है जो आपके साथ डिस्कस हो जाएगी। बोलो, देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट या उसका क्या नेट इनकम होगा वगैरह, सब पे केस स्टडी रेडी है मेरे पास, डोंट वरी, अपन डिस्कस करेंगे वो। और ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, अपन लोग प्रॉपर केस स्टडी स्टडी करेंगे। आपके पेपर का एक स्पेसिफिक पैटर्न अभी तक सामने नहीं आया है, बट जिस हिसाब से मॉड्यूल बनाया उस हिसाब से एक पार्ट पेपर का रहेगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस, केस स्टडी बोलते हैं ना जिसको, यस, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर मेरे पास बंडल ऑफ क्वेश्चंस रेडी है, डोंट वरी। ओके, द टर्म ग्रॉस इंप्लाइज दैट जीडीपी इज मेजर्ड ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वर्ड से क्या समझ रहा है? कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ओके, डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी और रेसिडेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब क्या हो गया? आपकी टेरिटरी में जो रेसिडेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी आ जाएगा और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो बन रहा है वो भी आ जाएगा डोमेस्टिक वर्ड से। नाउ फ्रेंड्स, ये तीन चीजें थी जो मैं आपको बोल रहा था और नीचे एक चार चीजें, चार लाइन ड्रॉ किए हुए वहां पर, हाँ, बोलो पहले डैश में जी या फिर तो अगर जी है, लेट से वहां पर जी है तो ऑब्वियसली वहां पर एन नहीं आ सकता, और अगर एन है तो जी नहीं आ सकता। एवरीबॉडी समझा क्या? मतलब यहां पे अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? या तो जी या तो एन, सही है क्या? सेकेंड डैश में या तो डी या तो एन, तो मान लेते डी है तो एन लिखा है क्या, और अगर एन है तो डी लिखा है क्या? मतलब पहला डी क्या था? डोमेस्टिक। अब जो एन लिखा है वो क्या था? नेशनल। इसका मतलब सेकेंड डैश में या तो डोमेस्टिक या तो नेशनल आएगा, और लिखा है दोनों के बीच में एंड नहीं लिखा है। आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपको
रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टैक्सेशन में आपने क्लियरली समझा है और एंड में बहुत डिफरेंस है ना एवरीबॉडी। तो सेकेंड इसमें वो चीज आएगी। थर्ड इसमें क्या आएगा, पी, एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, वो कभी चेंज नहीं होता है ना। अब नीचे के केस में एफ सी और एम पी दोनों में से एक आएगा। तो मान लो एम पी लिखा है, एफ सी लिखा है क्या? अगर हमको एफ सी लिखना है तो अब एम पी लिखा है क्या? इसका मतलब कंक्लूजन क्या है यहां पे, या तो एम पी या तो एफ सी आएगा, ठीक है ना। फ्लो में अच्छे से एक एक करके समझते हैं, पहले डैश पे फोकस करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो सब लोग, अभी उधर के लोग सब ध्यान दे रहे हैं क्या? पहले डैश पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, और पहले डैश में क्या लिखा है, ग्रॉस या नेट। अब इसके आगे जी एन नहीं बोलेंगे अपन, ग्रॉस नेट, ठीक है। मुझे बोलो, मेरे पास जीडीपी दिया है, कलर किसको किया, रेड, जी को, क्योंकि उसको बदलना है हमको एन में। क्या करूं, लेस डेप्रिसिएशन करके क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा, है ना सभी लोग, क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, दस के नए से जीडीपी से लेस डेप्रिसिएशन किया तो क्या मिला, एनडीपी। चलो उल्टा सोचते हैं, डोमेस्टिक एनडीपी में एड डेप्रिसिएशन किया क्या मिलेगा, ये देखो जीडीपी से लेस डेप्रिसिएशन करके एनडीपी आया। अब दो मिनट के लिए भूल जाते हैं और सोचते हैं हमारे पास क्या है, एनडीपी है। अब हमको एनडीपी से कहां जाना है, जीडीपी पर जाना है, क्या करूं, एड डेप्रिसिएशन किया क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यश, क्या मिलेगा, ध्यान दो सोमत, क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा, बराबर है कि नहीं। अल्टीमेट फ्लो क्या हो गया, देखो यही है ना, अल्टीमेट फ्लो लॉजिक क्या बन गया, यही बन गया ना, राइट हैंड साइड कॉर्नर जो लिखा है आप लिख दोगे वो आपके नोटबुक में। सब कुछ लिखो, ये स्लाइड का पूरा पार्ट लिखो आप। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 150 पेजेस की नोटबुक लगेगी ऑलमोस्ट, एज ऑफ नाउ तो इतना अंदाजा है मुझे। कुल मिला के आपको मेरी तरफ से पांच चीजें मिलने वाली है, जिसमें से एक चीज कल आपके हाथ में आ गई शायद, एफएम का टेक्स्ट बुक। टोटल पांच चीजें आपको मिलने वाली है हमारे क्लास के थ्रू। पहला रहेगा एफएम का टेक्स्ट बुक, दूसरा रहेगा इको का टेक्स्ट बुक, ओके, जो आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा इस बैच के लिए, ताकि क्वेश्चंस का जो एडिशन होगा वो क्वालिटी क्वेश्चंस कर सकता हूँ मैं, ओके। तीसरी चीज एफएम फंडास, एफएम फंडास एक छोटा डायरी बुक है, ओके, उसका नाम अभी चेंज हो जाएगा, इको एंड एफएम फंडास हो जाएगा वो, एफएम इको फंडास, ये लॉजिक से वो बुक बनेगा। ये एफएम इको फंडास ये बुक जो है वो छोटा डायरी बुक है, इसकी खासियत है कि जब से ये बुक बना है ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गए, तब से लेकर आज तक कोई भी एग्जाम में इसके बाहर से थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया है। एंड एफएम में थ्योरी क्वेश्चन का वेटेज 50 मार्क में से 20 मार्क्स का था, 18 मार्क्स का ऑलमोस्ट, हर बार उस छोटे बुक में से थ्योरी आता है। इस बार भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वही होगा, ओके। इको फंडास भी उसी में इंक्लूडेड रहेगा। इसके बाद फोर्थ आइटम आपको मिलेगा एफएम के चार्ट्स, चार रिविजन चार्ट्स मिलेंगे आपको, जिसका साइज बहुत ही छोटा रहेगा, जो आप कैरी कर पाओगे लाइब्रेरी वगैरह कहीं पर भी जाने के वक्त। आपको बड़े चार्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको छोटे चार्ट्स मिलेंगे जो आप कहीं पर भी कंफर्टेबली ओपन करके पढ़ सकते हो। चार एफएम के चार्ट रहेंगे और ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे से एक चार्ट इकोनॉमिक्स का रहेगा, सिंगल चार्ट इकोनॉमिक्स का रहेगा। एंड पांचवी चीज जो आपको मिलेगी वो है इको के चार्ट, मतलब एक सिंगल चार्ट इकोनॉमिक्स का, चार चार्ट एफएम के। तो इको का चार्ट, एफएम का चार्ट, एफएम टेक्स्ट बुक, इको टेक्स्ट बुक एंड एफएम इको फंडास, ये पांच चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको इच्छा रहेगी तो आप आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो सब मेहनत मैंने ऑलरेडी कर दी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एट द एंड चेक करके देख लेना, हर चीज जो मॉड्यूल में लिखी है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, डोंट वरी। तीन डैश ड्रॉ करो, जी और एन, डी और एन, एंड लास्ट में पी, प्रोडक्ट वाला। नीचे डैश करके एम पी और एफ सी लिखो आप,
GDP less depreciation gives you NDP, GDP less depreciation gives you NDP, और right hand side वो flow जो लिखा है वो flow अच्छे से समझ के लिखो, गड़बड़ करना मत plus minus में, बाद में खुद ही confused हो जाओगे. सभी लोग उधर लिख रहे हैं अच्छे से. इस चैप्टर का नाम हमने पहले डिस्कस किया था. क्या नाम है इस चैप्टर का? डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. हेडिंग दो, चैप्टर वन, डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. चैप्टर नंबर वन, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पहला चैप्टर, और उसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. Shall we move? आगे बढ़े. हमने अभी तक इस पूरे स्लाइड में किसके साथ डील किया बोलो? फर्स्ट वाले इसके साथ डील किया बस. करेक्ट है क्या? अब हम लोग जाएंगे अगले स्लाइड पे, जिसमें ऑब्वियसली हम किसके साथ डील करेंगे? डी और एन के साथ डील करेंगे. इसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी को? अब देखिए, सेम रिपीट किया है वापस ऊपर लिखा हुआ, फिर से आपको समझाने की जरूरत नहीं है ऊपर लिखा हुआ पार्ट. अब देखिए, सपोज हमारे पास जीडीपी वापस है, अब रेड कलर शिफ्ट हो गया है. रेड कलर किसको है अभी? डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक. रेड कलर किसको है? डोमेस्टिक को है. और हमको अब कहां पहुंचना है? नेशनल पर पहुंचना है. बोलो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? एड एनएफआई किया जाएगा. बोलो क्या किएंगे? एड एनएफआई. व्हाट इज एनएफआई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो एड एनएफआई विल गिव यू जीएनपी. देखो पहला लेटर चेंज किया गया मैंने, क्यों नहीं किया? डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट दिया क्या अभी अपने? अब अपन सेकंड इंपैक्ट दे रहे. डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं दिया, इसलिए पहला लेटर वैसे ही लिखा है. जी का अभी भी जी है. एवरीबॉडी आर यू विथ मी? जी को अभी भी जी रखा है. रीजन बहुत सिंपल है, इस पूरे कैलकुलेशन में लेस डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखा मैंने, वो पहले वाला कैलकुलेशन था. राइट तो अभी फर्स्ट लेटर चेंज करने का कोई रीजन नहीं है. सेकेंड लेटर को चेंज करना है तो एड एन एफ आई किया हमने. NFI is nothing but कल जो हमने डिस्कस किया था वो था. बोलो क्या है NFI? नहीं, लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा मैंने. कैसे निकाला जाता है NFI? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड. बराबर है क्या? तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट फ्रॉम माइनस टू. सिंपल है. इनकम फ्रॉम अब्रॉड व्हाट वी आर अर्निंग एंड इनकम टू अब्रॉड व्हाट वी आर गिविंग. तो डिफरेंस जो रहेगा वो तो अपना नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहेगा. ओके वापस फ्लो बनाते हैं इसका. एक साथ साथ में लिख रहे हो ना अभी, अब अलग से टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए, साथ साथ में लिखा करो. अब इसका फ्लो बनाना है मुझे. सबसे पहले ऊपर लिखा है जीडीपी, वापस से रेड कलर डी पर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक. एंड दोस्तों इसमें सपोज हमने एड कर दिया एनएफआई तो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा. बराबर है क्या? एड एन एफ आई करने से जीएनपी मिल गया. सपोज उल्टा जाते, अभी जीएनपी रेडी है हमारे पास. बोलो क्या करूं? लेस एन एफ आई करेंगे तो जीएनपी से जीडीपी पे आ जाएंगे. क्या बोला, समझा क्या? फिर से बोलना है क्या? देखिए, सपोज आपके पास जीडीपी रेडी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेडी है, और इसमें आपने एड कर दिया एन एफ आई. बोलो क्या मिला? जी एन पी मिल गया आपको. बराबर है, जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल गया. अब दोस्तों सपोज उल्टा जाते, जी एन पी रेडी है अपने पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रेडी है, आपको डोमेस्टिक पर जाना है, क्या करेंगे? लेस एन एफ आई करेंगे तो आप डोमेस्टिक पे आ जाओगे. समझ गए? ये ओवरऑल फ्लो है फिर इसका, ये लिख लो.
आगे बढ़े, लिख लिया अच्छे से। चलो अब इस पूरे स्लाइड में हमने किसके साथ डील किया, डी और एन। व्हाट इज डी? डोमेस्टिक। व्हाट इज एन? नेशनल। क्या बड़ा होता है? नेशनल। क्या छोटा होता है? डोमेस्टिक। क्योंकि डोमेस्टिक में अभी तक बाहर का इनकम नहीं आया इसलिए वो छोटा है। जैसे ही बाहर का इनकम, नेट इनकम ऐड करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, नेशनल बन जाएगा। नाउ अब ये स्लाइड वापस से वैसी रखी ऊपर की, और इसमें लास्ट पार्ट से डील करना है हमको एमपी और एफसी से। पी से डील नहीं किया क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही रहेगा। नाउ एमपी दिया है हमारे पास, बोलो क्या करेंगे? एफसी पर जाना है, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एड सब्सिडीज। क्या बोला हमने? लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एड सब्सिडी। क्यों? क्या लॉजिक था इसका? मार्केट प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग टैक्सेस, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाओ, और जो चीज इनडायरेक्ट टैक्स के साथ की है उसकी अपोजिट चीज सब्सिडी के साथ करेंगे। इन दोनों को नेट ऑफ करके क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं बोलता हूं एमपी एंड लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सब्सिडी अलग से बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया है? नेट। जब मैं वर्ड यूज करता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो इसका मतलब इसमें सेट ऑफ हो गया है, सब्सिडी लेस करके आया है। अंडरस्टूड? एंड क्या मिलेगा बोलो? फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। फ्लो बनाते हैं इसका भी एक, ओके लिख रहे हो साथ साथ में? देयर ऑल्सो इसका एक फ्लो बनाते हैं एमपी, और एमपी में अगर लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या मिलेगा? फैक्टर कॉस्ट। सही बोल रहा हूं क्या मैं? लेस करना पड़ेगा क्या? यस yes, क्योंकि आप कहां से कहां जा रहे हो? एमपी से एफसी जा रहे हो। पहली बार समझने के लिए ठीक है, सेकंड टाइम आप उल्टा सीधा कैसे भी जा सकते हो। समझने के लिए एक बार समझ गया, बाद में उल्टा सीधा जाओगे तो ही अच्छे से समझेगा। सो फ्रेंड्स हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एमपी दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, और मार्केट प्राइस के आगे क्या लिखा रहता है? इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल टैक्सेस। तो इसमें से टैक्सेस लेस करना पड़ेगा, जो चीज टैक्सेस के साथ की है उसकी अपोजिट चीज सब्सिडी के साथ करनी पड़ेगी, तो सब्सिडी एड होगा। दोनों को नेट ऑफ करके तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो मैंने उसी का इफेक्ट दिया यहाँ पर, एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एफसी मिल गया। चलो एफसी दिया है, उल्टा सोचते अभी एफसी दिया है, मुझे जाना है एमपी पर, एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वर्डिंग प्रॉपरली यूज करो, क्या लिखा है? एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अलग से सब्सिडी बोलने की जरूरत नहीं है, और आपको मिल जाएगा एमपी। ये है पूरा फ्लो, ये है पूरा फ्लो, समझा क्या? एकदम परफेक्ट, उधर भी सबको अच्छे से समझा है? ओके इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो? इसका मतलब मैं आपको कहां से कहीं पर भी जाने के लिए बोलूंगा आप रेडी हो जाने के लिए? चलो बढ़िया है। आप लिखोगे सबसे पहले नोटबुक में, आपको दिया है जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर वन है ये आपका। आपको दिया है जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, और आपको पहुंचना है NNP एट मार्केट प्राइस पर। आपको कहाँ पहुंचना है वो नीचे मत लिखो, होता तुमको स्पेस का आइडिया नहीं आएगा, मैंने तो अंदाजा ड्रॉ किया है, मेरे पास इरेजर भी है। ओके आपको कहाँ पहुंचना है? NNP एट मार्केट प्राइस पर। अगर आपको लिखना ही है तो ऐसा लिख दो आप, NNP एट मार्केट प्राइस पर पहुंचना है। इसका फ्लो डेवलप कर सकते हो आप? चलो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? पहले लिख देंगे GNP एट FC। अब स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहला लेटर क्या लिखा है? जी, और आपके टारगेटेड वहां पर क्या लिखा है? एन। जी से एन पे जाना है, लेस डेप्रिसिएशन। एवरीबॉडी देयर आल्सो? लेस डेप्रिसिएशन, तो मेरा पहला आसान स्टेप रहेगा लेस डेप्रिसिएशन। सर अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलता है, स्टेप्स सीक्वेंस डजंट मैटर, स्टेप्स मैटर्स। बट जनरली क्या करो, जो अपन ने लॉजिक से फ्लो से पढ़ा है वही फ्लो से सॉल्व करो, पहला डैश सेकेंड डैश और नीचे वाला पार्ट।
ओके तो ये आ गया, मुझे क्या मिलेगा? एन एन पी एट एफ सी. अब मेरे टारगेट में और इसमें क्या डिफरेंस है? एम पी और एफ सी का डिफरेंस है. एन एफ आई का इफेक्ट देना है क्या? एन एफ आई का इफेक्ट नहीं देंगे. एवरीबॉडी क्यों नहीं देंगे? अरे हम लोग नेशनल पे ही थे और जाना भी नेशनल पर ही है, तो एन एफ आई का इफेक्ट क्यों देंगे भाई? समझे क्या? इसलिए एन एफ आई विल नॉट कम इन टू पिक्चर. एंड यस एम पी एन एफ सी, तो हम लोग एफ सी पर है, फैक्टर कॉस्ट पे है और पहुंचना कहाँ है? मार्केट प्राइस. बोलो क्या करेंगे? एड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज एवरीबॉडी. एंड इसके बाद मिल जाएगा एन एन पी एट मार्केट प्राइस. इसको आप नेट भी बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम. नेट आई डी टी सही है क्या? क्या करेक्ट आ रहा है ना मुझे सॉल्व करने सब लोग? हाँ ठीक है. अब थोड़ा सा आपकी बारी. ये तो मैंने मेहनत की और आपके साथ की है. ओके क्वेश्चन नंबर टू. आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है और आपको पहुंचना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस पर. क्वेश्चन नंबर थ्री लिखते जाओ आप. आपको दिया है एनएनपी एट एफसी और आपको पहुंचना है जीडीपी एट एफसी. क्वेश्चन नंबर फोर. जीडीपी एट एफसी से आपको पहुंचना है जीएनपी एट एमपी. लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. आपको एनडीपी एफसी दिया है और आपको जीडीपी एमपी तक पहुंचना है. और इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये चार क्वेश्चन से, टू थ्री फोर फाइव, चार क्वेश्चन से, हर एक के लिए एक मिनट भी बहुत हो गया. चार मिनट आपके अभी शुरू होते हैं.
Done, everybody? I hope you are comfortable solving this. है ना? सभी को अच्छे से सॉल्व करने आ रहा है. चलिए एक एक स्टेप वेरीफाई करते हैं. एक काम करते हैं, इधर ही राइट में सॉल्व करेंगे इसको. ओके इस पार्ट को इधर शिफ्ट कर दूं. जीएनपी एट एमपी. इधर के पार्ट को शिफ्ट कर देता हूं इधर. जीडीपी एट एफसी. ये पार्ट को भी शिफ्ट कर रहा हूं मैं. जीएनपी एट एमपी. और इधर के पार्ट को भी शिफ्ट करूंगा जीडीपी एट एमपी. ओके अब रब कर दूं. ये लिखा हुआ बोलिए. एनडीपी एट मार्केट प्राइस. दोस्तों एनडीपी एट मार्केट प्राइस. पहला लेटर देखो क्या लिखा है. एन. और पहुंचना कहां पर है? जी. ग्रॉस पर. लेस डेप्रिसिएशन या एड? एड डेप्रिसिएशन हो जाएगा. उधर भी सब लोग. तो एनडीपी में पहला स्टेप मैंने करना चाहिए एड डेप्रिसिएशन. अब अपने मन में सोचो कि ये क्या बन गया. जीडीपी बन गया एट मार्केट प्राइस. अपने को कहां पहुंचना है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस. अपन कहां पर है? जी डी पर है. डोमेस्टिक पर है. और पहुंचना क्या है? जी एन नेशनल पर पहुंचना है. क्या करेंगे? एनएफआई ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के इनकम में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं. तो ऐड एनएफआईए करेंगे. डू यू थिंक हमको आंसर मिला या और स्टेप बाकी है? दिस इज द ओनली आंसर. क्यों ओनली द आंसर सर? अभी तक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं किया. ये है एमपी और आपको पहुंचना है एमपी पर. क्यों करेंगे? सब लोग समझे अच्छे से? सबके स्टेप्स करेक्ट आ रहे हैं? किसका करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर. वेरी गुड एवरीबॉडी. ऑलमोस्ट दो चार को छोड़कर समझ रहे हैं मिस्टेक क्या हुआ. जिनके मिस्टेक भी हुए रहेंगे तो कुछ नहीं समझा तो रिपीट करूं वापस से. आगे बढ़े. सेकेंड क्वेश्चन देखो. अभी थर्ड मतलब सीक्वेंस वाइज थर्ड. हमको एनएनपी से जीडीपी पहुंचना है. फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट तो वही है. मतलब फिर से इस बार मार्केट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है. पहला लेटर क्या है? नेट. एन. और पहुंचना कहाँ है? ग्रॉस. वापस से क्या होगा? एड डेप्रिसिएशन हो जाएगा. बराबर है. एंड दोस्तों सेकेंड लेटर क्या लिखा है? एन नेशनल. और पहुंचना कहाँ है? डी डोमेस्टिक पर. नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है. माइनस एनएफआई करेंगे. बराबर है क्या? माइनस एनएफआई करेंगे तो मिल जाएगा ये आंसर. इज इट करेक्ट? इज माय आंसर करेक्ट? नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इन आवर सीक्वेंस. जीडीपी एफसी से जीएनपी मार्केट प्राइस. पहला लेटर क्या लिखा है? ग्रॉस. उधर क्या लिखा है? ग्रॉस. तो अगर ये मैच हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. डेप्रिसिएशन की हद तक कुछ करने की जरूरत नहीं है. डेप्रिसिएशन की हद तक. सेकेंड लेटर लिखा है डोमेस्टिक और वहां लिखा है नेशनल. तो क्या करेंगे? एड एन एफ आई ए. एवरीबॉडी एड एन एफ आई. अब आपका डोमेस्टिक बन चुका है नेशनल. तो आपका आंसर आ गया क्या? नहीं आया. क्योंकि अब यहां पे लिखा था फैक्टर कॉस्ट और पहुंचना है मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पहुंचना है. क्या कम होता है? क्या कम होता है? एफसी फैक्टर कॉस्ट. क्या ज्यादा होता है? मार्केट प्राइस. क्योंकि मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग टैक्सेस. क्योंकि मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग टैक्सेस और एफसी में अभी तक टैक्सेस इंक्लूड नहीं हुए तो इसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस. और जो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ किया उसका अपोजिट सब्सिडी के साथ. तो लेस सब्सिडीज और आपको मिल जाएगा आपका आंसर. इसको आप नेट भी बुला सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझे क्या? एनी डाउट? लास्ट क्वेश्चन नाउ. आपके पास एनडीपी एफसी दिया है और आपको पहुंचना है जीडीपी एमपी पर.
अब देखिए पहला लेटर क्या लिखा है, नेट, बराबर, एन मतलब नेट, और पहुंचना कहाँ है, ग्रॉस, क्या करेंगे, एड डेप्रिसिएशन, एवरीबॉडी एड डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, तो पहला स्टेप रहेगा एड डेप्रिसिएशन, बराबर। अब दूसरा लेटर पढ़ो, डोमेस्टिक, आपको पहुंचना कहां पर है, डोमेस्टिक, कुछ करने की जरूरत एनएफआई की हद तक नहीं है। तीसरा लेटर पढ़ो क्या लिखा है, तीसरी चीज वो उधर एफसी, और हमको पहुंचना है एमपी पर, क्या करेंगे, एड नेट इनडायरेक्ट, मतलब एड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज या फिर नेट, बराबर है क्या, विल गिव यू दिस आंसर, चारों किसके करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, आई होप बाकी लोग भी इंप्रूव हो जाएंगे, आज प्रैक्टिस करो घर जाके, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे, चलो क्वेश्चन नंबर वन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर वन, आप उसको क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल सकते हो, आपके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस के हिसाब से वो सिक्स्थ क्वेश्चन है। सपोज एनडीपी एट एफसी इज गिवन टू यू 62,000 crores, लिखते जाओ, एनडीपीएफसी इज गिवन टू यू, नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज गिवन टू यू 62,000 crores इकोनॉमिका, उसके बाद डेप्रिसिएशन इज गिवन 1700 crores, डेप्रिसिएशन इज गिवन 1700 crores पूरे इकोनॉमिका, एनएफआई इज निगेटिव 300 crores, मतलब हमने बाहर से कम कमाया और उन्होंने हमसे ज्यादा कमाया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम टू अब्रॉड, देन इनडायरेक्ट टैक्सेस 9,000 crores, इनडायरेक्ट टैक्सेस 9,000 crores, सब्सिडीज 1,800 crores, सब्सिडीज 1,800 crores, लिख रहे हो अच्छे से, एंड आपको पूछा है फाइंड द जीडीपी एट एफसी, फाइंड द जीडीपी एट एफसी कॉमा एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एंड लास्ट में पूछा है एनएनपी एट एमपी मार्केट प्राइस, ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। अभी मत करो, अभी एफएम के साथ शुरू हो जाएगा अपना सेशन, आप ये अच्छे से कर ले दो, अभी करना है आपको, चलो अभी करो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको एक होमवर्क अलग से दूंगा, ठीक है, और एक होमवर्क दे दूँ इसके साथ, हाँ ठीक है, एक और होमवर्क ले लो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सुपर एंथुजियास्टिक लोग हैं आप लोग, वंडरफुल वेरी गुड, जीडीपी एट एमपी इज 35,000, आगे करोड़ लिखते जाओ, इकोनॉमी की बात चल रही है उतनी तो इज्जत रखेंगे अपन, जीडीपी एट एमपी इज 35,000 crores एंड डेप्रिसिएशन इज रुपीज 2,000 crores, डेप्रिसिएशन इज रुपीज 2,000 crores, इनडायरेक्ट टैक्सेस रुपीज 1,000 crores, इनडायरेक्ट टैक्सेस रुपीज 1,000 crores, एंड दोस्तों सब्सिडीज, सब्सिडीज रुपीज 2,000 crores, सब्सिडीज रुपीज 2,000 crores, एक ही सिंपल क्वेश्चन बट सब कुछ निकालना पड़ेगा जिसके लिए, वो है एनडीपी एट एफसी। एक सजेशन है मेरा, जब ये आप सॉल्व करोगे घर पे, स्टेप्स रिवाइज पहले कर लो और फिर सॉल्व करो, बट ये सॉल्व करते वक्त स्टेप्स मत देखो, बराबर है, इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक बार रिवीजन करके सॉल्व करो चलेगा, बट इसके सॉल्व करते करते उधर देखो क्या किया है, फिर करो, फिर देखो, फिर करो, डजंट मेक एनी सेंस, आपका आंसर करेक्ट आएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, बट सिर्फ क्लास में, एग्जाम हॉल में नहीं, बराबर ना, इसलिए रिवाइज पूरा करो फिर सॉल्व करो, बिल्कुल चलेगा।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आते हैं हम लोग. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ध्यान से सुनो, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा मैं पहले आपको, फिर क्लैरिफाई करूंगा. व्हाट आर द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस व्हाट आर द टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दोनों में डिफरेंस है क्या? दोनों में डिफरेंस है. फिर से बोलूं एक बार, व्हाट आर द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दोनों में डिफरेंस है क्या? है कौन बताएगा आंसर? हाथ ऊपर करो. एक पूरी क्लास में 600 लोग रहेंगे, एक जन रेडी अभी, दो तीन चार पांच छह, चलो 600 में से 6 तो आए, 8 10 12 ओके. चलो पहला प्रायोरिटी उसको देते हैं जो जनरली आंसर नहीं देता है, मतलब मैंने सुना नहीं उनसे आंसर. पहले तुम बताओ. यस, वेरी गुड. टू बेसिक एस्पेक्ट्स आर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का दूसरा नाम फाइनेंसिंग फंक्शन एंड यूटिलाइजेशन का इन्वेस्टमेंट फंक्शन. देयर एवरीबॉडी, टू बेसिक एस्पेक्ट्स है एंड टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म. समझे क्या? आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ ऑर्थर्स की बुक में ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा उन्होंने. क्वेश्चन पूछा था बेसिक एस्पेक्ट्स पे, लिख दिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ऐसा भी होता है, वेरी क्लियर वेरी सिंपल, बट मिस्टेक होने का चांस होता है, बी केयरफुल. टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बोला मतलब एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. क्वेश्चन पढ़ो जो आपके स्क्रीन पे लिखा है. डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. और ये एग्जाम में कितनी बार आ चुका है? ऑलमोस्ट 5 बार है यहाँ पे. ओके पूरे एनालिसिस में जो भी आपको बुक मिला है, इस पूरे एनालिसिस में हमने ऑलमोस्ट नवंबर 2006 के आगे से लेकर 16 तक तो सब कुछ कवर किया है, 17 तक रादर, नवंबर 17 तक जितनी बार एग्जाम में जो जो आया कवर करने की कोशिश की है. ओके इसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 बार आ चुका है, नवंबर के 3 बार आ चुका है और मई में 2 बार आ चुका है. इससे कोई एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि यह नवंबर में ज्यादा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके चलिए हम पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन का पॉइंट स्टार्ट करते हैं. और देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इफेक्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, डिविडेंड डिसीजन, ईपीएस एक्सेट्रा इज नॉट कंसिडर्ड. क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये सब कंसिडर नहीं होता. क्या क्या कंसिडर नहीं हो रहा है? कैश फ्लो. आपको याद है कैश फ्लो क्यों कंसिडर नहीं होता है? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो आप पीएनएल का प्रॉफिट देखते हो, तो कैश फ्लो कहां से कंसिडर होगा? फिर ईपीएस, ऐसे कोई चीजें कंसिडर होती नहीं, आप सीधा देखते हो प्रॉफिट मेकिंग फर्म है या लॉस मेकिंग फर्म है. प्रॉफिट मेकिंग है तो कितना प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब पूरा एनालिसिस आपका कहाँ चल रहा है? पीएनएल अकाउंट में चल रहा है. जबकि ईपीएस, डिविडेंड डिसीजन, कैश फ्लो, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है. पीएनएल अकाउंट कहाँ बनता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनता है. एनी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस, इनफैक्ट ग्रुप वन में जो अकाउंट्स आपने पढ़ा था, सीपीटी में जो अकाउंट्स आपने पढ़ा था, 11 12th में पढ़ा था, इन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और अब जो आप पढ़ रहे हो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये सब चीजें रिकग्नाइज होती है, ये कल हमने एडवांटेजेस में देखा था. क्या क्या रिकग्नाइज होता है? रिस्क, रिटर्न्स, ईपीएस, सब चीजें, कैश फ्लो,
टाइमिंग ऑफ रिटर्न इज कंसिडर बोला था, याद है क्या? टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न इज इग्नोर्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज कंसिडर इन केस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. याद है कल का डिस्कशन कुछ? तो यहां पे बोला है इट रिकॉग्नाइजेस, वहां पे बोला इट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग ये सब चीजों को. देन सेकंड बोला है फर्म में रिफ्रेन फ्रॉम पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर. रिफ्रेन मतलब रोकना खुद को, ज्यादा डिविडेंड नहीं देना शेयर होल्डर्स को. क्यों नहीं देना? अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो फर्म क्या सोचेगी? प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट करो और इन्वेस्टमेंट करो और प्रॉफिट कमाओ. जबकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कंपनी 12% कमा रही है और आपको मैं पैसा दे दूं, आप 15% कमा सकते हो. आप कितना कमा सकते हो? 15%. आप मेरे शेयर होल्डर हो. बोलो, लॉजिकली स्पीकिंग मैंने डिविडेंड नहीं देना चाहिए या देना चाहिए? देना चाहिए. क्यों देना चाहिए? कि सर आप हमको डिविडेंड देंगे तो हम 15% कमाएंगे, और आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आपके पास का पैसा 12% से ग्रो होगा. हमारा ही पैसा है, 12% से आप ग्रो कर रहे हो, और हमको देने से हम कितने से ग्रो कर सकते हैं? 15% से. तो बेटर रहेगा हमको दे दो. अब हमको दे दो मतलब कंपनी आपको गिफ्ट थोड़ा देगी, कंपनी आपको क्या देगी? डिविडेंड देगी. तो देना चाहिए डिविडेंड. बट मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिविडेंड मत लो, ये प्रॉफिट मैं इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता हूं. ऐसा पॉलिसी सही नहीं रहेगा ना. तो यहां पे बोला इट मे रिफ्रेन फ्रॉम पेइंग ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड. और यहां पे बोला है अ फर्म विथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मे पे रेगुलर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर. मे पे रेगुलर डिविडेंड. आप जब डिविडेंड पॉलिसी पढ़ोगे ना तब आपको समझेगा. बट फिर भी एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं. डिविडेंड डिसीजन पे सेपरेट टॉपिक नंबर, डिविडेंड डिसीजन 10 नंबर का टॉपिक है. ओके, आप तो नोट्स भी मिल गया आपको, आप कंफर्मली देख सकते हो कि टॉपिक कौन सा है. बराबर ध्यान दो. अभी डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन में आप देखोगे दोस्तों कि फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू ऑलवेज इट इज बेटर दैट यू शुड पे कंसिस्टेंट डिविडेंड. यू शुड पे कंसिस्टेंट डिविडेंड. आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल. फर्म ए हूं मैं और वो फर्म बी है दूसरा. एक फर्म है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है बट वोलेटिलिटी है बिजनेस में, तो कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट जम के होते हैं. जब जब प्रॉफिट होता है मैं आपको भर भर के डिविडेंड देता हूं, जब जब लॉस होता है मैं आपको डिविडेंड ही नहीं दे पाता हूं. ये मेरा फर्म ए था. फर्म बी पे जाएंगे और वो फर्म बी जो है वो जब जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है इन्वेस्ट करके रिजर्व्स में ट्रांसफर करता है और आपको डिविडेंड उतना ही देता है जितना देना है. और अगली बार जब उनको लॉसेस होते हैं तो भी वो उतना ही डिविडेंड देते हैं जितना देना है, क्योंकि वो पैसा कहां से निकालते हैं? रिजर्व्स में से निकाल के पे करते हैं. फर्म ए करेक्ट है या बी? बी आपकी नजरों में क्यों करेक्ट है जबकि दोनों के प्रॉफिट तो सेम हो रहे? कंसिस्टेंसी की वजह से उन्होंने आपके माइंड में एक इमेज बना दी, बॉस ये कंपनी पे भरोसा कर सकते. देखिए आप इन्वेस्टर हो और आपको डिविडेंड से मतलब है, आपको रिटर्न से मतलब है, और आपके रिटर्न्स अगर आपके पास कंसिस्टेंटली आते हैं तो उस कंपनी का रिस्क आपकी नजरों में कम हो जाता है. और मेरी कंपनी भले ही सेम प्रॉफिट कमा रही है बट डिविडेंड पॉलिसी करेक्ट नहीं रख रही है तो मेरी आपकी नजरों में मेरी कंपनी का इमेज रिस्की बन जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इससे शेयर वैल्यू पे इफेक्ट होता है. अंडरस्टूड? थर्ड आइटम जो हमने कल कवर किया था वो है, एक जगह लिखा है इट इग्नोर्स टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न और राइट साइड लिखा है इट रिकॉग्नाइजेस टाइम पैटर्न. ये इग्नोर करता है टाइम पैटर्न और ये रिकॉग्नाइज करता है टाइम पैटर्न. दोस्तों इसके ऊपर फिर से एक बार याद दिला दूं मैं आपको, प्रॉफिट के वक्त जब आप बोलते हो प्रॉफिट आ गया, फिर टाइम पैटर्न कैसे इग्नोर हुआ? प्रॉफिट आ गया मतलब जरूरी नहीं है कि कैश आ गया. बराबर है? जब वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है तो आप श्योरली बोल सकते हो कैश फ्लो भी आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या पढ़ते हैं, क्या एनालाइज करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले. ओके, फोकस इज ऑन शॉर्ट टाइम एंड यहां पे फोकस इज ऑन मीडियम और लॉन्ग टाइम. बराबर है कि नहीं? कल ही पढ़ा अपन ने, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कौन सा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन सा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. राइट? फिर इट डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी. किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉफिट्स के बारे में.
बट कहां कंसिडर होता है? रिस्क रिटर्न, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में. ये भी पॉइंट कल कवर किया था अपन ने, राइट? एंड दोस्तों, इट इज कंपैरेटिवली इजी टू डिटरमाइन द प्रॉफिट रिलेशनशिप, कि भाई फाइनेंशियल डिसीजन कौन से लेने से क्या प्रॉफिट हुआ, ये बहुत आसानी से पता चल सकता है. एग्जाम्पल, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, और मेरा वो बंदा, वो पीछे उधर देखो सो रहा है ना, हाँ, वो मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट है. ऐसे ही सोते रहता है, कॉस्ट बढ़ रहा है, सुस्त. अभी कैसे उसके इमेज ऐसे 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 ऐसे, ऐसे गया नीचे, फिर वो बोले तो ऐसे ऊपर ऊपर हो, यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे ऐसे करो जोर से थोड़ा, हाँ नींद गहरी थी. ओके, अब अगर मेरे स्टाफ ऐसे सोते रहेंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगा, बट फिर मैं इनको जगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉस्ट बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो तुम, ध्यान दो, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ाना है. और वो बंदा जाग जाता है नींद से और वो बोलता है बॉस, बॉस ने झापा अभी, अब अपने को काम करना है. और फिर वो कुछ तो भी दिमाग लगाता, क्योंकि दिमाग वाला इसलिए मैंने उसको हायर किया है, दिमाग लगा के वो बोलता कंप्यूटर को ऐसा बनाएंगे ना सर, कॉस्ट कम आएगा. और सच में ना वो कर दिया ना, उसने जो बोला वो इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे कंप्यूटर बनाने का कॉस्ट कम हो गया और मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए. ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि उसके डिसीजन से मेरा प्रॉफिट बढ़ा. बट कल ये मेरे होनार डायरेक्टर्स, हाईली क्वालिफाइड हाईली पेड डायरेक्टर्स ने कल जो बोला, उससे मैं क्लियरली नहीं बता पाता था कि मेरा शेयर वैल्यू बढ़ेगा. कुछ समझा डिफरेंस क्या है? कौन से डिसीजन से प्रॉफिट चेंज हो रहा है आप बोल सकते हो क्या? यस. बट कौन से डिसीजन से शेयर वैल्यू कैसे चेंज होगा ये बोल सकते हो क्या? नहीं. समझे? एंड इसके अलावा इट लीड्स टू इमैच्योर डिसीजन मेकिंग. अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हो तो आप कौन से टाइप के डिसीजन लेते हो? इमैच्योरिटी वाले डिसीजन. जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने वहां पे, अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इमीडिएट कैश लॉस विथ इमीडिएट कैश लॉसेस बट सब्सटेंशियल रेवेन्यू इन द लॉन्ग रन, पोस्टपोनिंग रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर. ध्यान दो, अभी एक आधा प्रोजेक्ट है, नियर फ्यूचर में एक आध साल लॉस हो सकता है बट आगे ट्रिमेंडस प्रॉफिट होगा. अमेजॉन इंडिया का कल एग्जाम्पल ले रहे अपन लोग, वही है, इस टाइप का प्रोजेक्ट है. नियर फ्यूचर थोड़ा लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट होगा. क्या वो लोग बिजनेस कर रहे हैं? यस, क्योंकि उनको भरोसा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, इसलिए वो कर रहे हैं. एक आधा मंदा है, नहीं नहीं पहले साल से प्रॉफिट कमाना है, तो वो ये टाइप के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा. आर यू गेटिंग? एंड वो ये टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को कट कर देगा, मतलब इमैच्योर डिसीजन लिया उसने, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन छोड़ दिया. शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा था इसलिए लॉन्ग टर्म गेन ही छोड़ दिया उसने. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो नियर फ्यूचर में लॉस दे सकते, आगे बहुत फायदा देगा. ऑनलाइन बिजनेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. ऑनलाइन बिजनेस इनिशियली प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग रन में तो प्रॉफिट ही होगा. बट अगर एक आधा बंदा है जिसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, पहले साल से कमाना है, हो सकता है वो ऐसे टाइप के बिजनेस को कट मार दे. समझ रहा है क्या सबको? नाउ उधर देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या लिखा है? इट लीड्स टू सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग. सिस्टमैटिकली हर डिसीजन लिया जाता है यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, लिवरेज इफेक्ट, मतलब जो जो अपने टॉपिक है सबके नाम लिखे यहां पर. और वो सब टॉपिक यूज करके फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करता है. और लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या रखता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो वो ऐसे डिसीजन मेकिंग लेगा क्या जिससे अभी लॉस हो रहा है बट आगे फायदा होगा? यस. और उससे उसका नियर फ्यूचर में भले ही लॉस है बट आगे वेल्थ मैक्सिमाइज होगा और प्रॉफिट भी ट्रिमेंडस होगा. लास्ट पॉइंट बोलता है, फोकस इज ऑन एंटिटीज शॉर्ट टर्म गेन्स एंड प्रॉफिट्स, वेयर एज इधर क्या है, फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ ऑफ द एंटिटी, शेयर होल्डर, सोसाइटी एज अ होल, जिसको CSR बोलते हो आप, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सोसाइटी को बेनिफिट मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. बराबर है एवरीबडी? समझा अच्छे से? ये क्वेश्चन प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो कल हमने लास्ट में कवर किया था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बेसिस पर आप फ्रेम कर सकते हो इसके पॉइंट्स. नोट्स में आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है तो आप क्या करोगे? एग्जाम सेंटर में जाने के पहले आपने पढ़ा है, बिल्कुल
और एग्जाम में यही आ गया बिल्कुल, आज का दिन भी याद आएगा तुमको उस दिन, फिर क्या करोगे? इमोशनल होकर पूरे 8 मत लिखना, 4 पॉइंट, 4 मार्क के लिए आया, 4 पॉइंट, 6 नहीं, 4, 4 जो आपको बेस्ट लगते हैं, 4 जिसके बारे में आप श्योर हो, वो 4, समझे क्या? अगर प्रॉब्लम क्या होता है, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए तुमने इधर 8 पॉइंट लिख दिए, अगले 4 के लिए भी उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते और तब वहां पे तुम लिखते 3 पॉइंट और एक्सपेक्ट करते तुमको 3 मार्क मिलेंगे, वो देता है 1, क्योंकि उसके बिल्कुल पहले तुमने उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिए ना। तुम बहुत होशियार हो, तुमको 8 पॉइंट आते हैं। बैलेंस्ड पेपर लिखना चाहिए कभी भी, जितने क्वेश्चन मार्क जितने दिए उसके हिसाब से क्वेश्चन का साइज होना चाहिए। ये बीकॉम नहीं है, जितना लिखा उतने मार्क, ऐसे नहीं है। सेंसिबली लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, अपने को पूरा पेपर कंप्लीट करना है, एक आंसर बेस्ट नहीं करना है, सभी आंसर अच्छे करने हैं। अंडरस्टूड? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेफरेबली 99.99% टेबल फॉर्म, 99.99% अंटिल अनलेस यू आर वेरी श्योर कि पॉइंट टू पॉइंट नहीं आता आपको, आप फिर पैराग्राफ में जा सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट नहीं आता होगा तो पैराग्राफ में जाओ, बट ज्यादा मार्क आई कैचिंग इजी टू करेक्ट कौन सा होता है? टेबल फॉर्म। एंड सामने वाला जो चेक कर रहा है वो कंप्यूटर नहीं है, वो भी इंसान है। जितना आप उसको कंफर्टेबल बनाओगे पेपर चेकिंग में, आपका स्कोर उतना बढ़ेगा। आप उसकी जगह रहकर सोचो, पैराग्राफ चेकिंग आसान है या टेबल आसान है? तो टेबल करने का अपने को। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर कंपनी के लिए क्या करता है ये तो हमने देखा ही, पहले दिन हमने यही कवर किया था और ये भी एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 बार आ चुका है। अब नवंबर में 1 बार, मई में 4 बार, नथिंग नथिंग डजंट मीन एनीथिंग, ओके? फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, सबसे पहला फंक्शन हमने लिखा था प्रोक्योरमेंट, बराबर है? बट प्रोक्योरमेंट के पहले क्या देखना पड़ेगा फाइनेंस मैनेजर को, कितने पैसे रिक्वायर्ड है बिजनेस करने के लिए। ऐसे 100 करोड़ प्रोक्योर मत करो ना, पहले सोचो कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आगे प्रोक्योरमेंट करो। सो फर्स्ट फाइनेंस, फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन, विच इज नथिंग बट हाउ मच फंड्स रिक्वायर्ड। नोट्स जिनको मिल चुके वो लोग लिखेंगे उसके आगे, उस पॉइंट के आगे लिखेंगे हाउ मच फंड्स रिक्वायर्ड, हाउ मच फंड्स रिक्वायर्ड, फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन के आगे लिखो हाउ मच फंड्स रिक्वायर्ड। सेकेंड फंक्शन लिखा है प्रोक्योरमेंट वाला, जिसके लिए दो नाम लिखे आपने, देखो अच्छे से, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑब्लिक करके लिखा है फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। बट द मोमेंट यू डिसाइड टू प्रोक्योर, यू हैव टू ऑल्सो डिसाइड व्हाट कॉम्बिनेशन, समझे क्या? आई डिसाइडेड फर्स्ट फंक्शन ओवर, क्या डिसाइड किया मैंने? 100 करोड़ की जरूरत है। अब मेरा अगला फंक्शन क्या रहेगा कि पैसा लो, पैसा लो तो पैसा किस कॉम्बिनेशन में लेना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। पैसा लो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंसिंग। किस कॉम्बिनेशन में लो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इसलिए साथ में लिखा है वो, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑब्लिक फाइनेंसिंग डिसीजन। आप ब्रैकेट में वहां पर लिखोगे सेकेंड पॉइंट के वहां पर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन लिखो आगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और उसके आगे आप लिखोगे एंड इट्स कॉम्बिनेशन और मिक्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन और मिक्स। बाकी लोग नोट्स नहीं मिले बट आज मिलते साथ ही पहले ये लिखो, ओके? रेडी ऑफिस में नोट्स आप कलेक्ट करो और ये लिखो, और जितना पढ़ जैसे जैसे होता है रोज उतना पढ़ना है। अंग्रेजों ने हमको बहुत अच्छा रूल सिखा के गए थे, डिवाइड एंड रूल। नो डाउट अपना सब्जेक्ट वास्ट है बट अगर हमने उसको डिवाइडेडली पढ़ेंगे तो अपन रूल कर पाएंगे सब्जेक्ट पर। रोज जितना क्लास में होता है उतना घर जाके एक बार रीड करा करो, और अगर आप ये पहले दिन दूसरे दिन से करोगे तो कंसिस्टेंटली रोज करोगे। जो गलतियां पहले क्लास में ग्रुप 1 के वक्त की, रिपीटेड मत करो। एटलीस्ट ग्रुप 2 शुरू हुआ है इसको हाथ में लो, हाँ, फिर ग्रुप 1 भी बैलेंस हो जाएगा। कल वैसे भी संडे, आई विल गिव यू प्लानिंग फॉर हाउ लास्ट 10 मिनट्स,
आई बी टेलिंग यू कि आप ग्रुप वन कैसे बैलेंस करोगे, ग्रुप टू के साथ ग्रुप वन आपने कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये मैं आपको कल लास्ट के 10 मिनट में बताऊंगा, 9 बजे से लेके 9:10 तक मैं आपको वो बताऊंगा। हाँ क्लियर। एंड मुझे पता है कि कल दूसरा क्लास वगैरह नहीं रहेगा, एक ही क्लास है आपकी जिंदगी, मजे करो, संडे है कल। है अकाउंट्स वगैरह है, यस नहीं है तो अच्छा है ना, बढ़िया है। बट मेरा लेक्चर तो कल रहेगा और उस टाइम पे 9 से 9:10 मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल आपके ग्रुप वन के कुछ बैचेस एंड हो रहे हैं और आप फिर आज से कल से थोड़ा सा कंपैरेटिवली फ्री हो, कुछ लोग तो वो भी नहीं है, बट एनीवेज जितने फ्री है उनके लिए और जो फ्री नहीं है वो एडजस्ट कर सकते हो तो करो। एक चीज़ याद रखो, अगर तुम एग्जर्शन वाला शेड्यूल अभी से फॉलो करोगे तो ग्रुप टू कर कर भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचोगे रात को 12 तक आप पढ़ोगे, सुबह 5 बजे उठ के वापस यहाँ पे आओगे 12-1 बजे तक पढ़ के, डजेंट मेक सेंस, बिकॉज आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे सो जाओगे, है ना। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्लास अगर मॉर्निंग में है तो आपको जल्दी सोना पड़ता है रात में, और उसके लिए बहुत सिंपल इलाज है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रात में पढ़ाई की नहीं रखना है खुद से, आपको पता है कि रात में जल्दी सोना है तो आप दिन में पढ़ाई कर लो, जब जब आपको ब्रेक मिले ना आप ऐसे इधर उधर टहलते हो ना उससे अच्छा आप पढ़ लो। एक आधा एक आधा होमवर्क है, जैसे मैंने आज आपको 2 होमवर्क दिए, ब्रेक में कर लो यार, फिर आपकी पढ़ाई घर जाके 15 मिनट में हो जाएगी, आप सो पाओगे टाइम पर। ऐसे प्लानिंग करो, बीच का टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करो रादर देन रात का टाइम। अपन हर चीज़ बोलते ठीक है यार बाद में देखा जाएगा, ठीक है बाद में, बट ऐसे करते करते पोस्टपोन होता है। आप रात में कर लेते हो बट उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट सुबह दिखता है, बराबर। तो ये मत होने देना। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, तीसरा फंक्शन आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आप आई गेस इन सभी पॉइंट्स में अच्छे से लिख सकते हो, दो चार लाइन लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। लिख पाओगे क्या? क्या लिखोगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट? मैक्सिमम रिटर्न्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? 2 टाइप्स, वन इज डे टू डे वर्किंग शॉर्ट टर्म एंड अदर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्टिविटीज में जो इन्वेस्ट होता है। एंड एक और लाइन वहां पर ऐड कर सकते हो आप, डैश एंड डैश, फंड शुड बी इन्वेस्टेड प्रॉपरली एंड प्रॉफिटेबली। डिविडेंड डिसीजन, ये भी देखा था हमने, अल्टीमेटली डील्स विथ हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको हम बुलाते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। उधर ध्यान दो, नो साइड स्टैंड, नथिंग, स्ट्रेट बैठो। अभी अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था, रात में जागने का नहीं, सुबह सो जाते हो और मस्त, तुम्हारा मतलब बैक टू कंफर्ट लेवल का जो टाइम है ना, स्विच ओवर टाइम, वो इतना जबरदस्त है ना। सर बोल रहे, हाँ सर का हो गया, सर बोल, हाँ यार सच में हुआ, 2 लाइन पढ़ा रहे, खतरनाक स्विच ओवर है ना। तो हमने तुम्हारे मुताबिक हर 2 सेंटेंस के बाद जागते रहो है? तो डिविडेंड डिसीजन में कंपनी क्या करता है, अल्टीमेटली ध्यान से सुनो इस पॉइंट में, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, इस पॉइंट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना है जब आप आंसर लिखोगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करना है वो ये है कि कंपनी क्या अर्न कर रहा है और इन्वेस्टर्स क्या अर्न कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसीजन होगा। क्या बोला मैंने? व्हाट रिटर्न कंपनी कैन अर्न एंड व्हाट रिटर्न इन्वेस्टर्स कैन अर्न ऑन देयर ओन, खुद से, ये दोनों का कंपैरिजन होगा और उसके बेसिस पे कंपनी डिसाइड करेगा कि डिविडेंड डिसीजन कैसा होना चाहिए। कल का एग्जांपल याद है ना आपको? यस। कैश मैनेजमेंट डिसीजन, डे टू डे वर्किंग में कैश एक्सेस रहना चाहिए या कम रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, मतलब सफिशियंट बोलो उसको। कैश के लिए एक वर्ड क्या यूज होता है? सफिशियंट। रिस्क एंड कंट्रोल के लिए वर्ड यूज होता है बैलेंस। हर जगह बैलेंस नहीं, ओके। कैश के लिए वर्ड क्या यूज होगा? सफिशियंट। सफिशियंट मतलब ना रिक्वायरमेंट से ज्यादा ना रिक्वायरमेंट से कम, उसको बोलेंगे कैश मैनेजमेंट, ओके। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन,
What is this ratio analysis? Intra firm, inter firm, दोनों पॉइंट इधर आएंगे. आपको मैं साथ साथ में ये बता रहा हूं कि आपका आंसर अटेम्प्ट कैसे होगा. सब लोग ध्यान दे रहे हो ना, इतना अच्छे से पढ़ लो इधर कि घर जाके बस एक फॉर्मेलिटी रहनी चाहिए पढ़ना और एग्जाम में अनदर फॉर्मेलिटी लिखना. सब चीजें इधर सीखो. ओके अच्छे से ध्यान दो. परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैन बी डन यूजिंग रेशियो एनालिसिस. देर आर टू काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. वन इज इंटर फर्म, द अदर इज इंट्रा फर्म. और उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो एक लाइन में. फाइनेंशियल निगोसिएशंस. निगोसिएशन करना मतलब बार्गेनिंग करना. तो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? बार्गेनिंग करेगा. किससे बार्गेनिंग करेगा? वो जिनसे फंड मिले हैं, जिनसे फंड हमको मिले हैं उनसे बार्गेनिंग करके अल्टीमेटली हम ट्राई क्या करेंगे? कॉस्ट रिडक्शन. हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम पर लाना है. तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम पर लाना है ना दोस्तों, तो हमको उनके साथ निगोशिएट करके उनका कॉस्ट, फंड्स का कॉस्ट कम करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे सर कैसे किया जाता है वो. तो अगर मेरी बैंक है जिनसे मैं बहुत अच्छे से ताल्लुकात रखता हूँ, जब जब उनको जरूरत होती है मैं पैसा डिपॉजिट भी करता हूँ. आप सबको पता है 31 मार्च को बैंक को पैसे की जरूरत होती है. बैलेंस शीट में अच्छा कैश बैलेंस दिखाने के लिए, डिपॉजिट्स दिखाने के लिए बैंक को जरूरत होती है. उस टाइम पे बैंक बोलता है सर रिक्वेस्ट है सर थोड़ा ज़्यादा पैसा रखो ना, मार्च एंडिंग चल रहा है. और हम जानबूझ के फिर उस टाइम पे पैसा ज़्यादा भी रखते हैं क्योंकि बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव के साथ कि जब हमको जरूरत होगी तो वो सपोर्ट करेंगे. इट्स ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप एवरीवेयर. सो ऑब्वियसली अगर ऐसा रहेगा तो हम फाइनेंशियल निगोशिएशन ऐसा कर सकते हैं लेंडर्स मतलब बैंक लोन वगैरह लेते वक्त कि 8.5 तो नॉर्मल रेट चल रहा है पब्लिक के लिए, हमको 8.25 दो, 8% पे दो. इससे क्या होगा? हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाएगा. अच्छा, लोन लेने के वक्त एक और चार्जेस लगते हैं, लोन प्रोसेसिंग फीस. वो भी बैंक के हाथ में होती है और वो वेव ऑफ थोड़ा मुश्किल है, बट फ्लैट रेट पे लग सकती है, 600 रुपये, 1200 रुपये, वॉट एवर. जो सबसे मिनिमल होता है ना लेवल, वो हर मैनेजर के पास दिया रहता है कि इससे नीचे मत आओ बट इतने पर आ सकते हैं आप ट्राई करो कि आप बैंकर के साथ अच्छा रिलेशन रख के आपको मिनिमम चार्जेस लगे. अल्टीमेटली जितना कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा उतना कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. एंड लास्ट इज मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस. ये एक अलग फंक्शन है जो हमने कभी देखा नहीं है. लास्ट के दो, एक देखा नहीं था, वो था फाइनेंशियल निगोसिएशन, और एक नहीं देखा वो था मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस. ओके, होता क्या है मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस? क्या होता है? कल आपने देखा हमारे होनहार मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बट उसका निगेटिव इफेक्ट हुआ. इसका मतलब ये होगा कि अगली बार इनको डिसीजन मेकिंग ही मत दो. बस कंपनी चल रही है ना उसी बिजनेस में चलते रहो, कोई डायनामिज्म मत लाओ. ऐसा करेंगे तो भी शेयर प्राइस शायद नीचे आ सकता है. दोस्तों बिजनेस इज डायनामिक. बिजनेस का एक फीचर है डायनामिज्म और आपको उसके साथ ही रहना पड़ता है. देयर इज नो चॉइस. तो उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे बेस्ट आपको ये जजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन से डिसीजन से शेयर प्राइस बढ़ रहा है और कौन से डिसीजन से शेयर प्राइस कम हो रहा है. उसके लिए आपको थोड़ा पास्ट एनालिसिस करना पड़ेगा. एक ऐसा कुछ चार्ट रेडी कर सकते हैं हम लोग जहां पे यहां पे टाइम पीरियड है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारी कंपनी का शेयर प्राइस है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसा ईयर वन ईयर टू वगैरह रहेगा हमारी कंपनी के एग्जिस्टेंस के, ये 4-5 साल रहेंगे और हमारा शेयर प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ के ऐसे ऐसे ये हुआ रहेगा, चेंज हुआ रहेगा. पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल इन रियल लाइफ? दोस्तों ऐसे केस में ये फ्लक्चुएशंस जब आए थे आपको ये कुछ इंडिकेशंस दे रहे थे. जब जब आपका शेयर प्राइस ऐसे बढ़ा, ऑब्जर्व करो इन पॉइंट्स को, सोचो ये मोमेंट पर क्या हुआ था, ऐसे वक्त हमने ऐसा क्या डिसीजन लिया जिससे शेयर प्राइस बढ़ गया. और इसके अलावा ये पॉइंट्स भी हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं कि ऐसी क्या डिसीजन मेकिंग थी. गलती नहीं बोल सकते हम लोग, हमने सोचा रहेगा अच्छा बट हुआ बुरा. तो ऐसा क्या हुआ रहेगा कि हमारा शेयर प्राइस कम हो गया इन पॉइंट्स पे. जो ब्लू कलर है वो लो प्राइस है, जो ब्लैक है वो हाई प्राइस है. हम लोगों ने फ्यूचर में
कौन से डिसीजंस अवॉइड करने चाहिए? हाँ, ब्लू पॉइंट्स वाले अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उनकी वजह से शेयर वैल्यू कम हुई थी. और कौन से लेने चाहिए? ब्लैक वाले, जिनके शेयर प्राइस, जिनकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ा था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी अगेन आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, दिस विल जस्ट गिव मी अ जजमेंट, आई कैन नॉट बी श्योर. अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने ब्लैक वाले पॉइंट का एक आधा डिसीजन लिया रहेगा वैसे ही टाइप का और शेयर वैल्यू कम हुई रहेगी. अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा ये प्रेडिक्ट 100% तो कोई नहीं कर सकता, बट जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, हमारे डिसीजन मेकिंग का जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमको फ्यूचर में समझे कि हमने क्या करना चाहिए शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए. अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस. दीज आर एट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर. जनरली एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है एनी फाइव बोलकर आता है, और एनी फाइव नहीं आया और फाइव मार्क के लिए आया तो आपको वैसे भी पांच ही लिखने हैं, बट जो पांच लिखोगे उसका प्रॉपर हेडिंग एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर हेडिंग एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन तीन चार लाइन पांच लाइन में किया तो भी चलेगा. एकाधि का एक्सप्लेनेशन नहीं जम रहा है बट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो तो भी चलता है. और ये कोई लॉ या ऑडिट जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको, आईटी जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको आपके वर्डिंग्स नहीं डालने, टेक्निकल वर्डिंग्स डालने जरूरी नहीं है, आप आपके वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. बट हम ट्राई करेंगे कि हमारे कन्वर्जेशंस में मैक्सिमम टेक्निकल वर्ड्स आ जाए ताकि पेपर में भी वो आ जाएगा. जैसे कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट, प्रोक्योरमेंट की जगह ये सब यूज हो रहा है ना. तो हाई, पहले नॉर्मल लेवल वर्ड, फिर हाई लेवल वर्ड भी सीख चुके हम लोग. Flowing back of profits, ये सब क्या है? These are technical words which we will be incorporating in our answers in exam. समझे? Relationship between finance and other function. ये बहुत ही अच्छा question है कि आपका finance मतलब finance department दूसरे department के लिए कोई role play करता है क्या? Finance department, do you think दूसरे department के लिए कोई role play करता है? ऐसा बोलो कि दूसरे डिपार्टमेंट हम पे डिपेंड है क्या? यस. सी इट मे बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेफ्ट साइड लिखा है पहला पॉइंट फाइनेंस एंड प्रोडक्शन. इट मे बी नीचे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. इट मे बी नीचे पर्सनल डिपार्टमेंट. व्हाट इज पर्सनल डिपार्टमेंट? हाँ, पर्सनल मतलब एचआर, ह्यूमन रिसोर्स. पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स. अब देखो ये जो डिपार्टमेंट है ये हम पे डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो डिपेंडेंट है. फाइनेंस, आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट डे आई टोल्ड यू, ध्यान दो, फाइनेंस मैंने क्या बोला आपको, इट्स द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस. हर डिपार्टमेंट को फाइनेंस की जरूरत होती है. इसका मतलब अगर आप सीए बनकर फाइनेंस मैनेजर बन जाओगे तो प्रोडक्शन मैनेजर भी आपको नमस्ते करेगा, क्योंकि बिकॉज उसको मालूम है कि आपके बगैर उसका डिपार्टमेंट फंक्शन नहीं कर पाएगा. एग्जाम्पल्स, अभी किस तरीके से आपके अलग अलग डिपार्टमेंट आप पे डिपेंड होते हैं. आप कौन हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, जैसे कि सबसे पहले लिखा है प्रोडक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल स्टॉक, परचेज पॉलिसी. रॉ मटेरियल स्टॉक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कितना रॉ मटेरियल रखना है? अगर मैं फैक्ट्री हूं, मैं प्रोड्यूसिंग यूनिट हूं, मुझे रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना पड़ता है. कितने दिन का रखूं? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट रेडी है क्या. मेरी इच्छा तो है मैं 2 महीने का स्टॉक रखूं, बट मेरा पैसा कौन देने वाला है? उस 2 महीने का स्टॉक जो रेडी हो जाएगा वो परचेज करके आने के बाद उसका पेमेंट करना पड़ता है, वो पेमेंट कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो अप्रूवल एट द एंड किसका लगेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का लगेगा. समझे? फिर उसके बाद नीचे लिखा है परचेज पॉलिसी. ये तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हो गया, नीचे क्या लिखा है? परचेज पॉलिसी. दो टाइप के परचेज होते हैं आपको पता है, कैश क्रेडिट. कैश परचेज का जनरली प्राइस कम होता है, क्रेडिट परचेज का ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिटर होता है वो आपको कैश पेमेंट्स पे डिस्काउंट देता है, जिसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है. दोस्तों आपको क्या लगता है, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आर यू इन अ कैपेसिटी टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन? सपोज मैं फाइनेंस मार्केट डिपार्टमेंट हूँ, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपको मटेरियल आने से मतलब है. आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हो, सप्लायर आपको बोलता है ये रेट लगेगा, और अगर कैश पेमेंट करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपको क्या लगता है? ये सुनकर कंपनी के फायदे के लिए आप उसको बोल देते हो ओके कैश पेमेंट डन, भेज दो. ऐसा आप कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है.
अगर आप ऐसा करने लग जाओगे ना तो फाइनेंस मैनेजर को तो हर दिन सरप्राइज मिलेगा, एक इनवॉइस आया सरप्राइज, क्या हुआ? अरे वो बोलेगा, प्रोडक्शन वाला बोलेगा, मैंने परसों मंगाया, कैश में मंगाया, डिस्काउंट मिल रहा था, दे दो पेमेंट। मैंने ओके सर, चलेगा ऐसा? कंपनी ऐसे चल सकती है? पॉसिबल ही नहीं बॉस। आपके हाथ में अगर मैं ऐसे पावर्स दे दूं तो मेरा कैश फ्लो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे आपका डिपार्टमेंट नहीं पूरी कंपनी चलानी है, और इसलिए ये पावर्स सिर्फ मेरे पास रहेंगे। आप सिर्फ इसका रिक्वेस्ट मेरे पास भेज सकते हो, सर क्रेडिट परचेस का ये रेट है, कैश का ये रेट है, इतना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है सर, प्लीज अप्रूव। फिर मैं उस पर लिखूंगा कैश परचेज अप्रूव्ड, नो क्रेडिट परचेज अप्रूव्ड, वॉट एवर, दैट इज अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। आर यू गेटिंग? एंड राइट हैंड साइड क्या लिखा है, बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल वहां पर लिखा है मेक और बाय कंपोनेंट, कॉस्टिंग में पढ़ा आपने? मेक और बाय कंपोनेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है। फ्लैशबैक हो रहा, गजनी लोग याद आ रहा क्या कुछ? हाँ, तो मेक और बाय में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज ये कंप्यूटर है जो हम बनाते हैं, ओके अब इसके अंदर एक कैमरा फिट हुआ है सामने, वो कैमरा हम लोग ना सोनी से लेते हैं और सोनी कंपनी वो कैमरा हमको देती है 2500 रुपए में, ये फिलहाल मेक हो रहा है या बाय हो रहा है? बाय हो रहा है, ओके। अब मैंने जरा रिसर्च किया, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चलो पोजिशन चेंज नहीं करते, कन्फ्यूजन होगा, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो और आपने इसमें रिसर्च किया है कि ये कैमरा कंपनी खुद बना सकती है इतने अच्छे क्वालिटी का, और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा 1850 इन हाउस प्रोडक्शन, बट इसको बनाने के लिए आपको मशीनरी प्रोक्योर करनी पड़ेगी 2 लाख 5 लाख वॉट एवर, अब सेटअप रेडी करना पड़ेगा, कुछ जगह लगेगी, मशीनरी लगेगी, उसको कुछ खर्चा लगेगा, लेबर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ये सब का आपने रिसर्च करके डन कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी हो गया, आपके पास आ गया, आप कैमरा बनाने शुरू और मेरे को बिल आने शुरू, ये बिल वो बिल, मैं पेमेंट करते जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। ये सब के लिए आप प्रपोजल मुझे भेजोगे, और अगर कंपनी के पास पैसा है और मुझे लगता है कि हमने बनाने से हमको फायदा होगा तो मैं उसको अप्रूव करूंगा। आप प्रोडक्शन मैनेजर हो मतलब आपको प्रोडक्शन आता है, फाइनेंस नहीं आता, फाइनेंस मुझे आता है, बराबर ना? और इसलिए आपका डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट ये टाइप के डिसीजन मेकिंग के लिए भी फाइनेंस पे डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल सेम तरीके से जैसे प्रोडक्शन डिपेंड है वैसे मार्केटिंग भी फाइनेंस पर डिपेंड है, एचआर भी फाइनेंस पर डिपेंडेंट है। आपको तो ओवरऑल आइडिया आ गई है, अब मैं आपको अगले डिपार्टमेंट शॉर्ट में बताता हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है फिनिश गुड स्टॉक कितना रखे, जैसे प्रोडक्शन को जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, मार्केटिंग वालों को जरूरत होती है गुड्स बेचने के लिए फिनिश गुड्स की, कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं गुड्स बेचते वो लोग, बराबर है? उनको अल्टीमेटली कौन से गुड्स चाहिए? सो रहे क्या उधर के लोग, हेड डाउन है क्या इधर के लोग, कैसे डायरेक्ट हेड डाउन, जिंदगी में हार गए क्या रे? उठ जाओ, वैसे हेड डाउन मतलब डायरेक्ट फ्लैट, ऐसा भी नहीं किया ऐसा डायरेक्ट, वैसे भी क्या सर आपने माइक में बोल दिया, आप तो क्या है ना ऑथराइज्ड डीलरशिप जैसे मिलती ना, ऑथराइजेशन फॉर स्लीपिंग, मुंह मत तुम खड़े रहकर डांस कर लो 2 मिनट, हाँ दोनों जन खड़े होकर 2 मिनट के लिए डांस कर लो तो नींद नहीं आएगी, इधर बुलाओ क्या तुमको? उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाते उधर के लोग, और उसमें वो 2 लोग मार्केटिंग हेड है मेरे, हाँ इनको कस्टमर से ऑर्डर लेना होता है, और हम आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो आपसे फिनिश गुड्स लेना होता है। आपको लगता है क्या मार्केटिंग वाले वो 2 लोग आपको डायरेक्टली बोलेंगे 600 यूनिट्स रेडी करो, 1500 यूनिट्स रेडी करो, और आप डायरेक्टली रेडी करके रेडी रखोगे ऐसे? ये अप्रूवल्स कितना स्टॉक फिनिश गुड्स का रेडी रखना है ये कौन देगा? फाइनेंस सर। उसमें फाइनेंस का क्या रोल है सर? फिनिश गुड्स में भी तो पैसा इन्वेस्टेड होता है, फिनिश गुड्स कितना स्टॉक रखेंगे उतना कंपनी का पैसा ब्लॉक होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये डिसीजन मेकिंग भी फाइनेंस का होना चाहिए।
अंडरस्टूड. एंड राइट साइड लिखा है क्रेडिट ग्रांटिंग एंड चेंज इन सेलिंग प्राइस. क्रेडिट ग्रांटिंग मतलब कितना क्रेडिट ग्रांट करना है. अब ये जो दो मेरे मैनेजर्स है, ये जब जब कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए यार तुम्हारे गुड्स, क्या क्रेडिट देते हो तुम, 20 दिन में पैसा मांगने आ जाते हो, हाँ मुंह उठाकर. उधर बाकी कॉम्पिटिटर एक एक महीना फोन भी नहीं करते और आप 20 दिन में पैसा मांगने आ जाते हो, आपका क्रेडिट पीरियड बहुत कम है. तो ये लोग क्या बोलेंगे, ओके सर हम तो अभी जागे, नींद से अभी जागे, हमको क्या पता, हम आपको एक महीने का क्रेडिट देते, ओके सर. ऐसा कर सकते हो? वो सामने वाला जो कस्टमर है वो बोलेगा आपका सेलिंग प्राइस बहुत हाई है, 25% डिस्काउंट देते हो वो लोग और आप क्या 10% डिस्काउंट देते हो. ओके सर हम भी 25% दे देंगे सर, अभी अभी जागे सर. ऐसा होगा? क्या करोगे आप? ये सब चीजों का डिस्कशन फाइनेंस के साथ करोगे, इससे पहले मार्केट में रिसर्च करोगे कि वो फेंक रहा है क्या. ऐसा तो हर कस्टमर बोलता है ना, डिस्काउंट ज्यादा दो, क्रेडिट ज्यादा दो, अल्टीमेटली फायदा तो उसका है. पहले ये दो लोग, उसके लिए क्या करना चाहिए, रिसर्च, और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि सर हम 10% देते हैं, मार्केट में 12% डिस्काउंट है सर, और सर हम 20 डेज में पैसा मांगते हैं, मार्केट में ऑन एन एवरेज 25 दिन हर कोई क्रेडिट देता है सर. ये रिपोर्ट जब मेरे पास आएगा तो मैं मेरी फाइनेंशियल स्टडी करूंगा पूरा, और अगर मेरी कंपनी का कैश फ्लो मैनेज हो रहा है तो मैं बोलूंगा ओके, नहीं मैनेज हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते. समझे क्या? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने बोल दिया सर, क्या फर्क गिरेगा सर अगर उन्होंने डायरेक्टली एक महीना का क्रेडिट दे दिया, सेल बढ़ेगा ना सर. उन्होंने डायरेक्टली क्रेडिट दे दिया एक महीने का, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग 20 दिन बाद पैसा आएगा, और मेरे को पूरा प्लानिंग रेडी है कि 20 दिन बाद पैसा आएगा, 22वें दिन क्रेडिटर को पैसा देना है, और यहाँ पे पता चला सरप्राइज कि 20 दिन बाद पैसा नहीं आ रहा है, एक महीने बाद पैसा आ रहा है. मैं मेरे क्रेडिटर को तो नहीं बोलूंगा सरप्राइज, क्रेडिटर बोलेगा क्या लगा है भाई पैसा दे. अल्टीमेटली ऐसे सरप्राइजेस बिजनेस में नहीं चलते, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड, और ये प्लानिंग फाइनेंस के थ्रू ही हो सकती है. तो चेंज इन क्रेडिट ग्रांटिंग बोलो या सेलिंग प्राइस में कोई डिस्काउंट बोलो, ये सब चीजें का भी डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू लिया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू. एंड लास्टली एचआर डिपार्टमेंट को अगर सपोज कोई खर्चा करना है तो वो भी फाइनेंस के थ्रू ही किया जाता है, जैसे कि वहां पे लिखा है ट्रेनिंग टू स्टाफ. अब ऐसा अगर स्टाफ है मेरा सुस्त है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना पड़ेगा, है ना. मोटिवेशन देने के लिए मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को इधर बुलाया, और अगर विनोद सर आ गए फिर तो पूछ मत, हाईली मोटिवेट हो जाएंगे वो. दोस्तों ऐसे केस में वो जो स्टाफ इधर आएगा, मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, उसको पेमेंट देना पड़ेगा. हम तो कंपनी है, विनोद सर हमारे दोस्त है भूल जाओ, बट हम तो कंपनी है, हमारे स्टाफ सुस्त है, हमको लग रहा है कि इनको मोटिवेट करना जरूरी है, हमने ट्रेनिंग देना जरूरी है, तो ट्रेनिंग का कॉस्ट लगता है. ट्रेनिंग के वक्त स्नैक्स दिए जाएंगे, ट्रेनिंग के वक्त उधर एक हॉल बुक किया जाएगा, एसी हॉल, उसका रेंट लगेगा, ट्रेनिंग को जो स्टाफ आएगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा. ये सब के लिए एचआर डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, पूरी प्लानिंग से एक बजट रेडी करना चाहिए. वो बजट रेडी कर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए, जिसका अप्रूवल फाइनेंस देगा. अंडरस्टूड? एंड लास्टली अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा करना है, तो भी ये टाइप के इन्वेस्टमेंट्स भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही लिए जाएंगे. एग्जाम्पल नेहा जी, एग्जाम्पल अगर मुझे लग रहा है कि बार बार इस हॉल में ट्रेनिंग होती है, तो एक काम कर लेते, इस हॉल को खरीद लेते. एचआर डिपार्टमेंट हूं मैं, फाइनेंस नहीं हूं, एचआर डिपार्टमेंट हूं, और मुझे लग रहा है कि ये हॉल को खरीद लेना चाहिए, तो डील करके आ जाओ. फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूछना पड़ेगा ना, एक रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि सर पिछले 2 सालों में हमने इतना रेंट भरा है और ये कॉस्ट है सर, परचेस कॉस्ट, हम परचेस कर ले क्या, लेट मी एनालाइज, पहली बात तो ये प्रॉफिटेबल है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने पास पैसा है क्या. दोनों मैच होने के बाद मैं अप्रूवल दूंगा ना. मेरे आगे का प्लानिंग एक्सपांशन का कुछ और था, और एचआर डिपार्टमेंट बोल रहा है ये हॉल खरीद लो, मशीनरी खरीदना जरूरी है, ये हॉल मशीनरी, प्रोडक्शन चलना चाहिए ना, कंपनी रन होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए. तो अल्टीमेटली इट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट ये टाइप के डिसीजन मेकिंग के लिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट ना घर के डोमिनेंट पर्सन जो रहते हैं ना अपने, जनरली इंडियन फैमिलीज में से फादर, हाँ इनके जैसा होता है, कर्ता ऑफ फैमिली,
और हमको कैसे फैमिली में कुछ भी चाहिए तो हम कैसे बराबर कहाँ तक पहुँचते, कर्ता तक पहुँचते, भले ही मम्मी के थ्रू पापा तक वगैरह वॉट एवर, बट पहुँचते तो पापा तक ही है और तभी अप्रूवल मिलके चीज़ें होती है। बिल्कुल, कंपनी के पापा मतलब फाइनेंस है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इज विथ फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड बिलीव मी, सबसे ज़्यादा वैल्यू आज अगर कोई कंपनी के कोई भी हेड पर है तो वो फाइनेंस हेड पर है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस। अंडरस्टूड? लास्ट पार्ट फॉर टुडे, देन वी विल मेक सम रिवीजन। ये एक पार्ट नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, चैप्टर में नया एडिशन है। ओके, तो इस पार्ट को आप न्यूली एडेड लिख दो, उधर नोट्स में लिख दो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी न्यूली एडेड इन सिलेबस। मिला गया नोट्स का पेज नंबर 6, पॉइंट नंबर 8, रोमन 8, रेड कलर में लिखा रहेगा, ब्राउनिश कलर में, और वो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। एनी गेस फ्रेंड्स, व्हाट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी? क्रैश क्रंच। कैसे आती है क्रैश क्रंच? इम्बैलेंसमेंट कैसे होता है? लायबिलिटीज इवेंचुअली बिकम्स मोर देन एसेट्स। इवेंचुअली मतलब स्लोली, मतलब आउटफ्लो इज मोर, इनफ्लोज आर लेस। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है बट कैश फ्लो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिससे क्या हुआ, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, अलॉन्ग विथ मेनी फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज, डिमांड फॉर द गुड्स, प्राइजेज ऑफ इनपुट्स दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर का प्राइस एक्सेट्रा, जो तुमने कॉस्टिंग में पढ़ा है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेजेस, मटेरियल, एक एक टॉपिक पढ़ा है उस पर तुमने। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू केयरफुली मैनेज द प्रपोर्शन ऑफ डेट। कल हम क्या बोल रहे थे, परसों, फर्स्ट डे क्या बोले हमने, सेकेंड डे भी वही बात की, सबसे ज्यादा रिस्की डेट होता है, बराबर है, क्योंकि उनके साथ आ जाता है कमिटमेंट फॉर पीरियोडिक पेमेंट एंड कमिटमेंट फॉर रीपेमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश पोजिशंस। यही बात चल रही इधर, जैसे बाकी चीजें मैनेज करते हैं वैसे डेट का प्रपोर्शन भी मैनेज करो। ध्यान है क्या सबका? हाँ, तो डेट का प्रपोर्शन भी मैनेज करना। एंड जब मैं बोल रहा हूँ न्यूली एडेड इन सिलेबस, तो इसका आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ओके, नाउ हायर डेट रिक्वायर्स हायर इंटरेस्ट पे आउट्स, डू यू अग्री? जितना डेट लेंगे उतना इंटरेस्ट पे आउट ज्यादा रहेगा, बराबर है। सीधा 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 बैठो। एंड इफ कैश इनफ्लोज आर नॉट सफिशियंट देन इट विल पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ, वही बातें जो हमने कल बोली थी। अगर मेरी कैपेसिटी है लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख पे करने की, आई शुड टेक लोन इंस्टॉलमेंट बर्डन ऑफ लेस देन 2 लाख्स टू बी ऑन अ सेफर साइड। बॉस, अगर हम लोग नहीं पे कर सकते उससे ज्यादा का इंस्टॉलमेंट कैसे लेंगे? अल्टीमेटली एक दिन ऐसा तो आएगा ना, जुगाड़ कर या कितना भी जुगाड़ करो, अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे और आपके एसेट्स कम हो जाएंगे और आप डिस्ट्रेस में आ जाओगे और फिर एंड रिजल्ट उसका इंसॉल्वेंसी। बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर विल पुट स्ट्रेस ऑन द फर्म टू द फर्म इफ ऑल द अबव फैक्टर्स आर नॉट वेल मैनेज्ड बाय द फर्म एंड इट मे क्रिएट अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस कौन है? ऑर्गेनाइजेशन है। और कौन पुट अप कर रहा है ये स्ट्रेस? डेट होल्डर्स। डेटर्स नहीं, डेट होल्डर्स। अपन डेटर है उनके, बराबर है कि नहीं? दे आर डेट होल्डर्स। विच काइंड ऑफ, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? बोथ। क्योंकि क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म रिपे करने के लिए अपन शॉर्ट टर्म लेते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, अब क्या करूं, अब क्या करूं? शॉर्ट टर्म लोन लिया। अब क्या हुआ, पहले एक सिर पे था, अब 2 लोग सिर पे। दिस हैपन्स यूजुअली। फिर एक की टोपी दूसरे के सर, है ना? एक से उधार लो दूसरे का उधार देने के लिए। ये साइकिल जब कंटिन्यू होती है तो उसका एंड रिजल्ट अभी स्ट्रेस और बाद में इंसॉल्वेंसी, बराबर। सो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इसको अंडरलाइन करोगे आप आपके नोट्स में। सो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, आई थिंक मैंने फॉन्ट साइज चेंज किया है, उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ पोजिशन वेयर कैश इनफ्लोज ऑफ द फर्म आर इनएडुकेट टू मीट ऑल द
करंट ऑब्लिगेशंस, आज जितना पे करना है, जो ऑब्लिगेशंस हमको पे करने हैं उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश ही नहीं है, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हम लोग. एंड इससे क्या होगा देखो अभी, इफ डिस्ट्रेस कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द फर्म मे हैव टू सेल द एसेट्स इवन एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट. मुझे बोलो, मेरे पास एक जमीन है बहुत अच्छी कीमत की है, अच्छी कीमत तब आएगी जब सामने वाले को पता है मुझे जरूरत नहीं है. सही है क्या दोस्तों? उसको उठाओ, उसकी जमीन बिक जाएगी. जमीन है, वैल्यू है, बहुत अच्छी वैल्यू है, बट वैल्यू तब अच्छी होती है जब हमारा बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रांग हो. मैं बोलूंगा 60 लाख खरीदना है तो खरीदो, मैं बोलूंगा 60 लाख प्लीज खरीद लो, जरूरत है पैसा देना है, वो बोलेगा 40 लाख बेचना है तो बेच. अल्टीमेटली क्या होता है, ये वैल्यूज भी तो सामने वाले की जरूरत पर डिपेंड करती है. तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, डिस्ट्रेस अगर ज्यादा देर तक कंटिन्यू रहेगा तो शायद आपको आपके एसेट्स बेचने पड़ेंगे, और वो किस कीमत पे, लेस देन मार्केट प्राइस पर. तो अल्टीमेटली अगेन यू आर बिकमिंग मोर वर्स्ट. बराबर है क्या? जिसकी कीमत 60 लाख की थी उसको मजबूरन आप पे करना है किसी और को, इसलिए कितने में बेच रहे हो, 40 लाख में. तो अल्टीमेटली 20 लाख तो वैसे भी जा रहे हैं आपके. एंड When the revenue is inadequate to revive this situation, पैसा sufficient नहीं है, cash flow sufficient नहीं है, ये situation से हम revive नहीं हो सकते, मतलब बाहर नहीं आ सकते, the firm will be unable to meet its obligation, firm नहीं pay कर पाएगा ये पैसे, and it may become insolvent. DSK may become, अपन ऐसा नहीं बोल रहे, but surely we can say one thing, that company is in financial distress as of now. बराबर है कि नहीं? DSK, do you agree? सब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स ने सूट फाइल किया है, इतने सारे लोगों ने केस फाइल किया उनके अगेंस्ट में. इसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड उनके पे आउट नहीं हो रहे होंगे ना, उनको इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया, उनके इंस्टॉलमेंट मिलने बंद हो गए, इसलिए वो केस फाइल कर रहे ना. अगर अभी तक DSK उनको इंस्टॉलमेंट देता तो वो केस क्यों फाइल करते? दो दो तीन तीन महीने, छः छः महीने से तो एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है, वो क्रेडिटर तो दूर की बात है. समझे क्या? दैट कंपनी करंटली इज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इट मे बिकम इंसॉल्वेंट अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा तो. सो इंसॉल्वेंसी इज बेसिकली, इट मीन्स इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे वेरियस डेट्स एंड इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. अंडरस्टूड? अच्छे से समझाए? एक छोटी सी बात आज निकली थी इसलिए ये कवर करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बात निकली थी ना अपनी कुछ, अकाउंट्स और FM दोनों में ताल्लुक है, दोनों में कोई रिलेशनशिप है? यस. ओके, ध्यान दो अभी, लास्ट पार्ट, एक्चुअली लास्ट पार्ट फॉर टुडे. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो है जो आप ग्रुप वन में अकाउंट सीख रहे हो, वो ऐसा बोलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आप अभी जो ग्रुप टू में सीख रहे हो FM, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दोनों में इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रांग है. ओके, और वो इंटरलिंकिंग ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट starts वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ends, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमको जो डेटा चाहिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देगा, फिर हम एनालिसिस करेंगे ना. आर यू वेटिंग? सो हम लोग स्टार्ट कब होंगे? जब वो एंड होगा. इसका मतलब हम डायरेक्टली उस पर डिपेंड हो गए. अंडरस्टूड? देखिए, इट जनरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंटिटी. किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? अकाउंटिंग की. ओके, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? इट सीक्स टू यूज द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग फंक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग. मतलब हम क्या कर रहे हैं? वो अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन यूज करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग हो रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है. हमारी एंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, मतलब हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब रेडी होता है उधर, और उनको लेकर हम लोग एनालिसिस करते हैं आगे का, फ्यूचर का. वो सब क्या था? पास्ट. अपन क्या देख रहे हैं? फ्यूचर. और ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है. सेकेंड पॉइंट बोलता है इट इज पास्ट ओरिएंटेड, और यहाँ क्या लिखा है? इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. ऑब्वियसली आप जब बैलेंस शीट PNL बनाते हो, इट इज फॉर द ईयर एंडेड एज एट 31st March वगैरह, जो हो चुका है. हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करते, जो हो चुका है उसके बारे में डील नहीं करते, जो हो चुका है उसके बेसिस पे फ्यूचर को बेटर करने की कोशिश करते हैं. अंडरस्टूड? एंड इट इज मेजरमेंट, रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड थिंग्स. आप ये तीनों टर्म्स अकाउंटिंग में बार बार यूज करते हो,
मेजरमेंट रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर वगैरह, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेजरमेंट्स. मेजरमेंट मतलब मनी मेजरमेंट वगैरह कंसेप्ट. ओके, यहां पे क्या होता है, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने फर्स्ट डे देख ली थी वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब टू बेसिक एस्पेक्ट्स यहां पे कवर होते हैं. एंड दोस्तों इट इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्रुअल कंसेप्ट जो कल बात किया था अपन ने, और यहां पे हमने क्या बोला था, इट इज बेस्ड ऑन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. बेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट को स्टार मार्क करो. अकाउंट्स में और एफएम में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अकाउंट्स जो है वो एक्रुअल बेसिस पर डिपेंडेंट है, मतलब एक्चुअल इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखा जाता है, जो एक्सपेक्टेडली आएगा वो भी देखा जाता है, बराबर है, डेटर से पैसा आएगा वो भी कंसिडर हो रहा है. एफएम में हम देखते हैं कितना आया और कितना जाएगा, एक्चुअल इनफ्लो एक्चुअल आउटफ्लो. मैंने क्या बोला आपको कल, एक्सपांशन करना है, 2 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ का क्या पे करना है उसको, प्रॉफिट या कैश? कैश पे करना है ना, प्रॉफिट से चीजें नहीं खरीदी जाती, कैश से खरीदी जाती है. गोल अकम्प्लिश कब होते हैं, कैश से, प्रॉफिट से नहीं होते. एंड इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट. आप सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह सब पता है, तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को गवर्न करते हैं, गाइड करते हैं. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऐसा कोई गाइडिंग चीज, कोई लॉ और रेगुलेशन नहीं है. यहाँ पे कुछ टेक्निक्स एंड कुछ टूल्स है, जैसे कि कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स है जो कैपिटल मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को गवर्न कर रही है, ये कोई लॉ नहीं है. बट अकाउंट्स को गवर्न करने के लिए रेगुलेशन लॉ वगैरह होता है. ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का, अंडरस्टूड? ठीक है, आज के लिए हम सिलेबस यहां तक ही बढ़ाएंगे और अब तक का एक बार रिविजन कर लेंगे. ठीक है, बोलिए. सबसे पहले हमने क्या देखा, आज दिन की शुरुआत कहां से की, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. सबसे पहले वर्ड यूज किया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ध्यान दो इधर सब लोग, अब तक का ये पूरा रिवाइंड हो रहा है चीज, ध्यान दो. जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने बोला, व्हाट इज ग्रॉस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डोमेस्टिक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोडक्शन ऑफ विच गुड्स, फाइनल गुड्स विच आर आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, विच आर आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, राइट. ये जीडीपी हुआ एट मार्केट प्राइस, मतलब जो मनी वैल्यू तुम लोगे उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आना चाहिए, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का इफेक्ट जाना चाहिए, बराबर है? सब लोग हो मेरे साथ, ध्यान है इधर. ओके, नाउ मोबाइल अगर बाहर रहेगा इट विल बी डीम्ड गिफ्ट टू मी, डीम्ड गिफ्ट. ओके, एंड इसमें जीडीपी से हम लोगों ने एक फ्लो डेवलप किया था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक जाने के लिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से. बट आज पहली बार अपन ने रीशफलिंग करके देखा कि कैसे हम लोग उल्टा भी जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. ओके, मान लो आप एनडीपी पर हो, एनडीपी पर हो, अब मुझे बताओ इसमें एनएफआई का इफेक्ट आया क्या, यस और नो? फटाफट रैपिड फायर, चलो जल्दी बोलो, नहीं आया. अच्छा, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट गया क्या? गया, क्योंकि लेस हो चुका है वो, बराबर है? ये एनडीपी होता है. एंड जब मैं बोलता हूं सपोज फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज का इफेक्ट नहीं आया. आप दोगे तो मार्केट प्राइस पर पहुंचोगे आप, सही है क्या? ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी चाहिए, पहला डैश, दूसरा डैश एंड नीचे का तीसरा डैश, क्योंकि थर्ड डैश तो उधर का प्रोडक्ट है. हाँ, ये चीज अच्छे से समझो, इसके फ्लो को समझो. नाउ इसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशन रिवर्स जाना ये वो किए, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर हमने, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, पहले जी से एन पे जाना, किसका इफेक्ट दू? डेप्रिसिएशन. सेकेंड डी से एन पे जाना, डोमेस्टिक से नेशनल, एनएफआई. एनएफआई निकालेंगे कैसे? फ्रॉम माइनस टू, शॉर्ट में इनकम
from abroad minus income to abroad is NFI. Can that be negative? Yes. Usually it is negative for us. We are an Indian economy, na? तो अपने exports कम है और imports ज़्यादा है. Okay, economics में पढ़ा है आपने. पहले वाले economics में पढ़ा है आपने. Now, ये होता है NFI. अब market price factor cost इनके बीच का difference क्या होता है? Net indirect taxes. बराबर है? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. जब मैं बोलता हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब ये किसका इफेक्ट ले रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडीज. बराबर है? ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. इनको एड कब किया जाता? जब पहुंचना होता है मार्केट प्राइस पर. लेस कब किया जाता है? जब पहुंचना होता है फैक्टर कॉस्ट पर. क्लियर? ये सब डिस्कशन के बाद हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हम आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा आज डिफरेंशिएशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और आज हमने इनफैक्ट तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर किए. आज का एफएम का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट था. टेक्स्ट बुक मिली है, घर जाकर एक बार पढ़ो. क्योंकि आज पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. बराबर है? उसके बाद सेकंड चीज हमने देखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वो न्यूली एडेड है सिलेबस में, उसका आने का चांसेस भी ज्यादा है. इसलिए मैंने आज जानबूझ के टाइम रहते हुए भी टाइम के पहले रुकाया है. ओके, चलो. आपको डिफरेंशिएशन वगैरह याद है? प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस याद है? हाईलाइट्स बोलो मुझे, मेन पॉइंट्स बोलो मुझे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स टाइम पैटर्न, उधर इट कंसिडर्स टाइम पैटर्न, इधर कुछ चीजें और इग्नोर होती है, ईपीएस, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब. और उधर ये सब चीजें रिकग्नाइज होती है. बराबर है? इधर ये शॉर्ट टर्म है, उधर वो लॉन्ग टर्म है. इधर क्लियरली डिसीजन मेकिंग से समझता है कि कौन से डिसीजन से क्या प्रॉफिट हुआ. और उधर कोई क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजन एंड शेयर प्राइस नहीं होता है. इसलिए कल डिसएडवांटेज में लिखा था मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन. याद आया क्या कुछ? ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है डिफरेंशिएशन के. फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा. इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बोलो मुझे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो बेसिस पे चलता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्यूचर रिलेटेड होता है. देन यहाँ पे मेजरमेंट आता है, रिकग्निशन आता है, डिस्क्लोजर आते हैं, और यहाँ पर पॉलिसीज आती है, इंपॉर्टेंट टूल्स आते हैं, स्टैंडर्ड. और आपको एक और बात समझा दूँ, क्योंकि वो अकाउंटिंग है, उसके फॉर्मेट बहुत फिक्स है. ट्रेडिंग पीएनएल तुम कभी अपने हिसाब से बना सकते हो क्या? नहीं, मेरा मन करता है थोड़ा उल्टा कर दूँ, डेबिट उधर और क्रेडिट इधर, ऐसा कभी नहीं कर सकते आप. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जब रिपोर्ट बनाते हो तो आपके मन पे है वो. आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब और कुछ नहीं, अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है. आपको बता देता हूँ मैं, मेन टॉपिक इज अकाउंटिंग, उसका मेन पार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसका सेकेंड पार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और थर्ड पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. एवरीबडी, आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. और अब आप पढ़ रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाम से समझो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट दिस इज अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन मेकिंग. समझे क्या कुछ? ये मशीन खरीदना है क्या, वो मशीन खरीदना है क्या, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, वो करेंगे क्या, हर चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड होती है. This is management accounting. We are doing accounting for the management. And यहाँ के format कोई accounting standard govern नहीं करता. इनकी frequency भी accounting standard govern नहीं करता है. Financial accounting compulsory कितने time के लिए बनना चाहिए? हर एक साल. मेरा management report कितने time के लिए बनना चाहिए? Depends. Depends on size of company. जितना बड़ा company रहेगा उतना frequency ज़्यादा रहेगा. क्योंकि volume बहुत fast है ना. सोचिए Reliance. अगर अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टली एक साल बाद देखे तो करोड़ों रुपए इधर उधर हो जाएंगे एवरीबॉडी. बट अगर एक्सपर्ट अपना अगर परफॉर्मेंस एक साल बाद देखे तो बहुत कुछ फर्क नहीं करेगा. राइट? होता है ना.
एंड अगर मान लेते हैं कि एक्सपर्ट का फ्रीक्वेंसी ईयरली है तो रिलायंस का फ्रीक्वेंसी मंथली होगा क्वार्टरली होगा ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ रहे हैं क्या अच्छे से सबको? तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है साइज ऑफ कंपनी के हिसाब से. मैं अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट कब सबमिट करूं सर? ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बोल रहे हो ये कब किया जाता है? ईयर के एंड में किया जाता है क्या? क्वार्टर के एंड में किया जाता है क्या? नहीं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. क्या बोला समझा? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तब ये किया जाता है. एंड लास्ट पॉइंट आज जो हमने कवर किया था, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे. मैं आपको आज पूरे 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ. ओके, तो मेरे क्रेडिट पे 5 मिनट है, ठीक है? ध्यान दो. लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी. मुझे सिर्फ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब बताओ, इंसॉल्वेंसी नहीं चाहिए मुझे. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कैश इनफ्लो. वी हैव टेकन मोर डेट. विच काइंड ऑफ डेट? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, सच दैट नाउ वी आर इन अ प्रॉब्लम दैट आवर रेवेन्यू is insufficient for commitment fulfillment. बराबर है क्या? ये जो commitment हमने ले रखा है debt वालों से, वो लोग हम पे stress डाल रहे हैं. हमारा पैसा वापस दो, हमारे installments pay करो, हमको interest दो. और इनके stress को हम बुलाते हैं हमारे लिए financial distress. अब अगर इसकी वजह से insolvency आती तो वो कब आती है? When this becomes continuous for a long period of time. So obviously, इस time पर फिर क्या होगा? If financial distress continues for a long period of time and your revenues are insufficient to pay off your liabilities, short term as well as long term, then this will create insolvency position. Because उसका एक बहुत important reason हमने देखा था, company may have to sell the assets at lower than market price. क्या बोला? Company may have to sell the assets at lower than market price. This is insolvency. ये continuously long term के लिए चल रहा है distress. और ऐसा position आ जाता है कि company को assets बेच कर भी पैसा पूरा नहीं मिलता है market value जितना, और liability तो पूरा pay करना है, वो pay नहीं हो पाती है, liabilities ज़्यादा हो गई. और assets क्यों कम हो गए? क्योंकि हमको ज़रूरत है, market value पे नहीं बिक रहा है. हमको ज़रूरत है और वो market value पे नहीं बिक रहा है, तो हम लोग डिस्ट्रेस से कहां जाएंगे? इंसॉल्वेंसी की तरफ जाएंगे. कैन आई से लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस लीड्स टू इंसॉल्वेंसी? यस और नो फ्रेंड्स? यस. कीप रिवाइजिंग, डू योर होमवर्क. विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. गुड बाय फ्रेंड्स.